गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है, उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, आज मेरे शो में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज मेरे गेस्ट जो आपके बड़े फेवरेट है, जिन्हें आजकल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे बड़े हिट है, क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया उन्होंने अपने सारे काम छोड़ के कोरोना के बारे में अवेयरनेस देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें ये लगता है ये उनका फ़र्ज है। क्योंकि जब आप किसी एक्टर को या किसी सिंगर को फॉलो करते हैं तो उन पर एक फ़र्ज़ बन जाता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अवेयरनेस है, वो भी आप तक पहुंचाई जाए। उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस कोरोना में, लॉकडाउन में, जब सब लोग घरों पे मौजूद थे, लेकिन वो लोग वीडियोस बना के अपडेट कर रहे थे, आपको अवेयरनेस दे रहे थे कोरोना के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए, आज एक मेरे बड़े प्यारे मेहमान मेरे साथ मौजूद है, जिनसे लोग बहुत से सवाल करना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने एक ड्रामा जो हिट जा रहा है उसमें वो करेक्टर क्यों किया और वो करेक्टर क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने, और वो उनसे बहुत कुछ पूछना चाहते। तो हमने सोचा उन्हें आज हम अपने शो में बुलाते हैं और उनसे इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोरोना वायरस की जब बात हो रही है तो हमारे पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि डे बाय डे केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 24 घंटे के अंदर 57 लोग जो हैं वो हम में नहीं रहे कोरोना की वजह से, क्योंकि हम लोग बार बार आपको अवेयरनेस दे रहे होते हैं, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, तमाम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि आपको डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंस जो कि एक फिज़िकली डिस्टेंस है। इसके अलावा आपको बार बार बताया जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर मत निकले। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही ईद के दिनों में लॉकडाउन में थोड़ी नरमी हुई, हम तमाम लोग घरों से बाहर आ गए। हमें लगा कि शायद आज ही हमें सारी शॉपिंग करनी है, हमने बिल्कुल एहतियात नहीं की, जिसकी वजह से केसेस ज़्यादा होना शुरू हो गए। अब हम ये बात भी नहीं कर सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जनाब पाकिस्तान में केसेस बहुत कम है दूसरी ममालिक की नस्बत, लेकिन अब पाकिस्तान में भी केसेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि दोबारा लॉकडाउन हो जाए, अल्लाह ना करे दोबारा ऐसा हो। लेकिन इसके लिए आपको अभी भी ज़रूरत है। ईद की खुशियाँ आई, रमज़ान आया, हम कोरोना को भूल गए, लेकिन कोरोना भूलने की चीज़ नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसे आपको डरना नहीं है, इससे हमें लड़ना भी नहीं है, इसे सिर्फ हमें एहतियात करनी है। बेहतर यही होगा कि घरों में रहिए, गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकले। मेरे शो में आज मेरे एक बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, जिन्हें मैं कहती हूँ बड़े सुरीले सिंगर हैं। वो सच में बड़े सुरीले हैं, क्योंकि जब आप उनको सुनते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, अभी भी बहुत से सिंगर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। क्योंकि हम कंप्लेंट्स करते हैं ना, अभी जी फलां ऐप्स आ गई हैं तो लोग गाना गाना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी हमारे पास पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है, बड़े ज़बरदस्त सिंगर मौजूद हैं। और आज हम अपने शो में एक बड़े ज़बरदस्त मेहमान से आपको मिलवाएंगे, क्योंकि जब आप तैयार होते हैं ना, आपकी कोशिश होती है कि आप खूबसूरत तस्वीरें बनाएं, और अपने जो खूबसूरत मोमेंट होते हैं, जो लम्हात होते हैं, उनको ना आप कैद कर लें। आप किस तरह से कैद करते हैं, तो एक शख्स होता है जो बड़ा फेवरेट होता है वेडिंग पे आप लोगों के, आप सब लोग उसकी तरफ माइल हो रहे होते हैं, और वो होता है जी ज़बरदस्त एक फोटोग्राफर। आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या मुश्किलात होती हैं, वेडिंग्स आजकल नहीं हो रही तो जो हमारे प्यारे प्यारे फोटोग्राफर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पर मौजूद हैं, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले अपने बड़े प्यारे मेहमान से आज माना चाहूँगी, जिनकी मैं बहुत फ़ैन हूँ, जिनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, जिनकी होस्टिंग बड़ी पसंद है जी, जिन्होंने स्टार्ट तो मॉडलिंग से किया लेकिन फिर माशाल्लाह से फिल्म्स की, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जाके भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। मैं वेलकम करना चाहूँगी, मॉडल हैं, एक्टर हैं, होस्ट हैं, आजकल सोशल वर्कर भी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मैं वेलकम करना चाहूँगी इमरान खान का। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो इरम? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच। मुबारक जी। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक और मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को मुबारक। बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक। वैसे एक बात है, कोरोना वायरस से मेरी तरफ उंगली क्यों की थी तुमने? वो अचानक से, मैं तो एकदम डर गया कि मुझसे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस वो बताना चाह रही थी कि वो इस तरफ मौजूद है, और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद है, जिन्हें मैं कहती हूँ बड़े सुरीले सिंगर हैं, आप लोग भी कहते हैं यकीनन, बड़े आजकल सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी करीम खान का। खुशामदीद करीम, कैसे हैं आप? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुज़िश्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक। वैसे तो पहले भी हमने विश किया था और पूरी टीम को मेरी तरफ से गुज़िश्ता ईद मुबारक। मेरी टीम वाले भी आपको खैर मुबारक कह रहे हैं पीछे से। और जी बहुत शुक्रिया आपका करीम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और इनके साथ जी हमारे मेहमान गुजरांवाला से आए हैं, मैं वेलकम करना चाहूंगी ज़िशान का। कैसे हैं ज़िशान? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? बस सो के गुजरी, ज्यादातर सो के गुजरी। अच्छा, क्या मसला है, क्यों हम ज्यादा, हमें नींद क्यों आती है ईद वाले दिन में, कोई इसका कोई लॉजिक समझ आई आज तक? बेसिकली ज्यादातर तो ये होता है कि हम चांद रात या शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लिया, और कुछ वेदर की चेंजिंग की वजह से, जिसकी वजह से फिर हम मतलब सुबह ईद की जो है नमाज पढ़ने के बाद अपने जो फैमिली मेंबर्स को मिलने के अलावा मतलब कोई काम नहीं होता, तो फिर हम सो जाते हैं। फिर हम सो जाते हैं। तो इमरान आपकी ईद कैसे गुजरी?
यार मेरी ईद जो है वो ऐसे ही गुजर गई, समझ नहीं आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बहन की तरफ चला गया जी। बड़ा एंजॉय किया हमने वहाँ पे और बड़ा मजा आया। तो डिस्टेंस का ख्याल रखा जो बार बार आप सोशल मीडिया पे भी बता रहे थे? डिस्टेंस का ख्याल रखा था और मेरे ख्याल में कि वहाँ पे भी कोई ऐसा कोई बाहर से नहीं आता जाता था, बच्चे भी किसी से नहीं मिलते ना बाहर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज ऑफिस तो बंद है, ऑनलाइन काम चल रहा है सब, तो बस वो उस चीज का ख्याल रखा। लेकिन बड़ी अजीब सी ईद थी, कोई समझ नहीं आई, फील आती है ईद की वो फील नहीं आई, तो बहुत अजीब सा। लेकिन मैंने जब मैं बाहर निकला लोगों को देखा स्पेशली चांद रात को, तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो बात बिल्कुल सही है कि कोरोना का तो शायद इलाज हो जाए लेकिन जहालत का नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक कि जिस तरह आवाम बाहर निकली हुई थी और जिस तरह शॉपिंग हो रही थी, तो अल्लाह खैर ही करे अब जो हालात हैं वो आप सबके सामने आ रहे हैं डे बाय डे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा कि जो केसेस हैं वो डे बाय डे ज्यादा होना शुरू हो गए। करीम आपकी ईद कैसी गुजरी? सबसे पहले तो वो जो प्लेन क्रैश था वो एक सानिया बहुत बड़ा हुआ, और उसके बाद तो दिल ही नहीं किया कि कुछ आप एक्टिविटी करें, लेकिन वो जाहिर है वो चैनल्स के इनविटेशन थे ईद शोज के हवाले से, वो मैंने अटेंड किए हैं जी। और बाकी ज़्यादातर मेरा रेस्ट बाकी जो टाइम था वो सो के गुज़रा। करीम आपने प्लेन की बात की, अभी तो हम लोग कोरोना के जो दुख थे उनसे बाहर नहीं आ रहे, आपने देखा होगा बहुत सी फैमिलीज जो मुतासरीन हैं उनकी फैमिली बेचारी भी हॉस्पिटल्स में है एक टेंशन में थे, ऊपर से ये हादसा पेश आया जिसमें बहुत से अहम लोग, तमाम लोग बड़े अहम थे लेकिन कुछ आर्टिस्ट भी थे, कुछ मॉडल सारा जी बिल्कुल आपकी कोलीग सारा अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी और बड़ा पैशन था उसमें काम करने का। और वैसे जहाँ तक मुझे पता है मतलब उसको एयर ट्रैवल से वैसे ही उसको बड़ा खौफ था, अच्छा बहुत कम करती थी, लेकिन ये कि बस इसका ये मतलब है कि आप घरों में रहें या बाहर, जब आपकी आखिरी वक्त है आपका वक्त है वो कहीं पे भी आ सकता है। अच्छा इमरान मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, आपने देखा होगा जैसे प्लेन क्रैश हुआ बहुत से दुख का इजहार भी लोगों ने किया, लेकिन कुछ लोग बड़े जजमेंटल हो गए सारा को लेके, बड़े आपने ट्वीट देखे होंगे लोगों को, वो यहाँ बैठ के ये डिसाइड कर रहे थे कि उसकी अगली जो मंजिल है ना वो कहाँ जाने वाली है। कुछ लोगों ने कहा कि रमजान शरीफ था और जो भी लोग थे वो ज़ाहिर शहीद हुए क्योंकि आग थी और ट्रैवल कर रहे थे, और कुछ लोग बड़े जजमेंटल नजर आए हमें जो बड़े अजीब अजीब ट्वीट कर रहे थे, तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे बैठ के इस तरह से हमें किसी के बारे में तो ये समझ ही नहीं आता कि लोगों को ये हक किसने दिया कि आप किसी को जज करें। एग्जैक्टली आपको करना ही नहीं चाहिए। अगर जारा की जगह आप देखें जुनेद जमशेद साहब भी इसी तरह हादसे का शिकार हुए, तो क्या आप उनके बारे में भी लोगों ने क्या 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 नहीं कहा कि ये गुनाह होते हैं फलाना होता है? बात यह है कि मौत बरहक है और वो कहीं पे भी आ सकती है, किसी टाइम भी आ सकती है, आप किसी उसके अमाल उसके साथ जाने हैं, वो खुदा ने फैसला करना है कि वो नेक है क्या है उसकी। हो सकता है कि हम सबसे ज्यादा नेक वो हो, उसकी कोई अच्छाई खुदा को पसंद हो, बिल्कुल, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो माफ करने वाला है ना, किसी भी चीज पे माफ कर सकते हैं। इमरान आपने देखा नहीं आप लोग कंट्री के लिए पब्लिक के लिए इतना काम करते हो आप, मतलब बहुत मेहनत कर रहे होते, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे होते, जाहिर है दिन रात आप लोग शूट करते, जब भी कोई ऐसी बात होती है तो जब लोगों की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्ड आता है चाहे वो एक्टर हो कोई सिंगर हो या कोई मॉडल हो, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी अजीब सी बात है कि जो आप लोगों के लिए इतना काम करते हो लोगों का ये देखें बात ये कि मैं आपको एक बात बताऊं कि एक आर्टिस्ट जो होता है ना वो अपनी जितनी भी ऑडियंस है उनको एंटरटेन करता है। बिल्कुल आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मिस कर जाते हो, आपकी अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपसे दूर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, कि आपके पास टाइम नहीं है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि क्या ये जितने भी लोग हैं इनको ये चीज़ नज़र नहीं आती कि हम लोग कितना सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, फिर भी उसके बावजूद आप देखें कि अजीब अजीब से कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। अभी आप उसको देख रहे हैं रिसेंटली, और मेरे ख्याल में मुझे बोलना चाहिए कि उज़्मा खान के साथ क्या हुआ। देखें आप उसका कैरेक्टर कुछ भी है, वो आर्टिस्ट है वो एक्ट्रेस है वो कुछ भी है व्हाटएवर जो भी उसने किया, जिस आप किसी के घर में इस तरह से घुस के आप अगर की करेंगे तो इंतहाई गलत बात है। आप सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि उस्मान को पूछना चाहिए, अगर बकौल उसकी वाइफ के आमना उस्मान के कि वो घर मेरे हस्बैंड का दूसरा घर है जी। आपके हस्बैंड की इजाजत के बगैर वो कैसे रह सकती है उसके घर में? फिर आज उसको कोई कोई मैंने नहीं देखा किसी चैनल ने या किसी ने उसकी कोई रिपोर्ट चलाई हुई किस तरह से, जस्टिस को मिलना चाहिए, कानून को फॉलो करते कोर्ट में जाते और मसला सॉर्ट आउट हो जाता, इस तरह से होना चाहिए। खैर इस पर भी बड़ी बहस दो दिन से शुरू हुई है, और जो जैसे करीम जिक्र कर रहे थे प्लेन का जो हुआ हादसा वो लोग भूल गए, हम लोग ऐसी कौम है कि फौरन से हम लोग अच्छा होता है लोग पिछला भूल जाते हैं,
आपको एक दिन याद रहता है, एक दिन, अब तो आदत सी हो गई, आदत सी हो गई है। करीम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हम लोग सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा भी काम करें लेकिन किसी हद तक हम लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गए जिससे लोगों की बड़ी दिल आजारियाँ भी हो रही होती है। बात फिर वही है जैसे इमरान ने बोला कि हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। वो अल्लाह ने माफ़ी इतनी छोटी छोटी चीज़ों में रख दी है। क्या बात है कि आप छोटा सा एक्ट करते हैं तो अल्लाह को पसंद आ जाता है तो आपके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये तो हमें जो चला गया उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसकी गुनाह बख्शे, क्योंकि जब हमने जाना है, जो वक्त चल रहा है, आप ये नहीं कह सकते। हाँ, माँ बाप अगर जिंदा है और आपकी डेथ हो गई है तो माँ बाप यकीनन दुआ करते होंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे या कोई और मेरे लिए दुआ करेगा। बिल्कुल नहीं होता। तो ये दुआ कौन करेगा जिनके साथ आपने भलाई की हुई, भलाई की हो, क्या बात है। तो वो भलाई तो वही करेगा ना जो अच्छी बात करेगा, जो किसी को दुआ देगा, जो किसी को इतना जज नहीं करेगा। मतलब हमें नहीं चाहिए किसी को कि यार ये करती थी या करता था या आगे जाके क्या होगा। बस ये कहना चाहिए अल्लाह भैया जैसे ही वो थी या था उसको बख्श दे। बिल्कुल आमीन। बड़ी खूबसूरत बात की, तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है, हर किसी का मामला अल्लाह के साथ है। हम जो ज़ाहरी तौर पे नज़र आते हैं, पता नहीं वो कितने नेक लोग होते हैं, वो अल्लाह से कितने उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। ज़िशान से बात करेंगे। ज़िशान, आप गुजरांवाला में रहने वाले और फिर आपने करियर का आगाज़ वहाँ से किया जबकि आपकी फैमिली भी आपको अलाउ नहीं कर रही थी, तो कैसे स्टार्ट किया आपने? मैंने, मुझे बेसिकली इस चीज़ का क्रेज़ था, तो मैं जब फर्स्ट में कैमरा यूज़ कर रहा था वो भी किसी से लेके यूज़ कर रहा था। अच्छा। तो आस्ता आस्ता मतलब वो जो फोटो जर्नलिज्म की तरफ आ गया, मैंने UET से इसका आगाज़ स्टार्ट किया, इसकी क्लासेस लेने स्टार्ट की। लेकिन जब मैंने क्लासेस लेने स्टार्ट की तो उससे पहले मेरे घर वालों को नहीं पता था। फिर कुछ यूनिवर्सिटियों का कंपटीशन था, वो कंपटीशन मैंने विन कर लिया और उसके बाद फोटो जर्नलिज्म जब UET को भी मतलब जब उसके एग्ज़ाम वगैरह हुए, एग्जीबिशन हुई, वो भी मतलब मैंने ही विन किया। तो वो इस तरह फिर मेरे घर वालों को पता चला, तो जिस सिलसिले में मतलब थोड़ा सा मैं अप हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, अच्छे DSLR या अच्छा कैमरा होने से आप अच्छी तस्वीर बनाते हैं या आपका ये स्किल होता है कि आप बुरे से बुरे कैमरे से भी एक अच्छे एंगल से तस्वीर ले सकते हैं? नहीं, आप बुरे से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि एक स्किल होता है, एक आपका फ्रेम होता है या आपकी लोकेशन होती है या ड्रेसिंग होती है या मतलब सब्जेक्ट होता है कि किस तरीके से आपने फ्रेम लेके सब्जेक्ट को लेके, अगर आप मतलब पोर्टफोलियो लेते हैं तो वो उसके लिए आपको लाइट कितनी चाहिए या मतलब आपको लोकेशन किस तरह की चाहिए। और अगर आप चले जाते हैं, ये दूसरा क्या नाम है, वेडिंग्स फोटोग्राफी है, वेडिंग्स भी में भी ज्यादातर ड्रेसिंग, लोकेशन, ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। बिल्कुल। हाँ। बैकग्राउंड कैसा है, लाइट आपकी कैसी है, मेकअप भी मैटर कर रहा होता किसी हद तक, यानी वो आप लोग कर देते हैं? कुछ हद तक करता है, बाद में हम बाद में आपसे एडिटिंग कर देते हैं। ठीक हो गया। इमरान से पूछना चाहूंगी, इमरान, कोरोना वायरस की वजह से आपके सारे शूट जो थे वो रुक चुके हैं, काम नहीं हो रहा, इवन के करीम के भी ये जो आर्टिस्ट है वो ज्यादा मुश्किल वक्त में नजर आ रहे हैं हमें क्योंकि काम नहीं हो रहा। तो अब इसके बाद कोई चांसेस है अभी दोबारा से स्टार्ट होने का या अभी कोई नहीं देख रहे आप? यार अल्लाह करे कि बस ये खुल जाए, लेकिन हालात तो बहुत ही खराब हैं और काम तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, सबके काम बंद हुए हैं और शूट्स भी सारे रुक गए हैं, और बल्कि इनफैक्ट जिनके शूट चल रहे थे उनका रिजल्ट आपको पता चल गया कि निदा यासिर और यासिर नवाज की टीम के साथ क्या हुआ है। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है। एक तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि इतना कुछ होने के बावजूद लोग कहते हैं यार कोरोना तो है ही नहीं, ड्रामा चल रहा है। मतलब ये कौन सा ड्रामा तो हम लोग अपने साथ चला रहे हैं कि हम लोग जानते हुए भी बिल्कुल वो कर देते हैं कि नहीं, इग्नोर कर रहे हैं लोगों के, नहीं है, चलो कुछ नहीं होता, बाहर मिल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। भाई आप ये सोचें कि अगर आप लोग घर में बैठ जाएंगे कुछ अरसा, हो सकता है कि गवर्नमेंट जो कर रही है उस पर कुछ कंट्रोल हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग से कुछ हो जाए, मसला हल हो जाए, आप लोग बाहर निकलेंगे हालात और ख़राब होंगे, उतने केसेस बढ़ेंगे, काम वैसे ही बंद होता जा रहा है। मेरे ख्याल में हालात बहुत अजीब से हो गए, एकदम समझ नहीं आ रही। लेकिन आर्टिस्ट को भी कोई वो नहीं मिल रही, कोई फेवर नहीं मिल रही, कोई फेवर नहीं मिल रही, बिल्कुल ऐसा ही है। कल ही मेरे शो में एक बड़ी प्यारी हमारी मेहमान थी, तो वो उन्होंने जब कोरोना का जिक्र हो रहा था वो कह रही है कि कहा जा रहा है ये आलमी साजिश है। तो मैंने कहा वो एक कंट्री में हो सकती है, दो कंट्री में हो सकती है, 200 ममालिक में ये आलमी साजिश कैसे, मतलब हर कंट्री में हो सकती है ना। तो ऐसे भी लोग अभी मौजूद हैं, ये कोरोना बिल्कुल है और ये हो भी रहा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए इस चीज़ को। और स्पेशली लोग बच्चों को लेके बाहर निकल रहे हैं। हाँ। तो दारा आप लोग इस चीज को थोड़ा सीरियस लें
कि ये एक पेंडेमिक है और ये अभी दो साल तो ये कहीं जाने वाला नहीं है, हमें यूज होना पड़ेगा इसके साथ। हर चीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया कि ये दो साल तक कहीं नहीं जाने वाला। इसके एक चीज मैं इरम में कहूंगा कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अभी लोगों को अवेयरनेस दे कि इसके साथ किस तरह जिंदगी गुजारनी है। अब सबको पता है कि कोरोना है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, हमारी मतलब हर चीज रोजमर्रा की जिंदगी चेंज हो गई है, हम घर में रह गए हैं, मतलब घर में कोई बाहर नहीं आ रहा, किसी के घर नहीं आ रहे, कोई बहुत कम वेरी रेयर कोई जाए, कोई जिस वहां जाए जिसको पता हो कि भाई मतलब वो भी जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो सब वो कर रहा है, पूरे कर रहा है और ये सारा। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि अब बताएं कि अब किस तरह से काम स्टार्ट करना है, किस तरह करना है, इस तरह तो लोग मर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है, मतलब आप कोरोना से तो बाद में मरेंगे लेकिन मुझे लगता है भूख से और ये गुर्बत से मर जाएंगे लोग, जो हालात हो गए कि काम। आज मुझे किसी ने सुबह मैं उठा तो मैसेज आया हुआ था किसी का कि मेरा काम बंद हो गया, पता नहीं कौन था, कोई एडिटर था आई गेस, कि आप प्लीज इमरान भाई मेरे लिए कुछ करें। मैंने कहा जब तुम्हारा काम बंद हो गया तो मेरे काम से ही तुम काम लेते थे ना, तो मेरा काम कहां से चलेगा। बिल्कुल, तो बात वही, बेचारे पता नहीं क्या हालात है लोगों के, क्या नहीं है। तो मेरी तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब कुछ करें, लोगों को बताएं कि इसके साथ ये नहीं है कि जी ये आज लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, 5 जून तक है, 11 मई तक है, या इस तरह से चलता रहेगा। भाई 2-3 साल ये नहीं जाने वाला। आप लोगों को क्लियर कट बताएं कि जिंदगी किस तरह गुजारनी है अब आप लोगों ने। बिल्कुल, स्पेशली बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, बच्चों स्कूल वाले फीसेस तो ले रहे हैं, पता नहीं वो किस चीज की ले रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो घर पे, कौन मुझे बताए किसका बच्चा घर पे पढ़ता है, मेरे बच्चे तो नहीं पढ़ते। बिल्कुल ऐसा है, और कुछ लोगों को, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता चल रहा कि सोशल मीडिया वो ऑनलाइन बैठ के किस तरह से ये क्लास अटेंड करनी, बहुत मुश्किलात है क्योंकि हम लोग यूज टू नहीं थे ना, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर की हद तक हमने इसके अलावा इसको इस्तेमाल नहीं किया। ये सच है, ये रियलिटी है, बहुत से पेरेंट्स को मुश्किलात में भी हमने देखा, एक दूसरे की बेल देके पूछी होती है कि ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, और करीम भी शायद एग्री करे कि वो चीज नहीं होती जो आप क्लास बहुत सारे अब जो स्कूल हैं वो जूम के थ्रू क्लासेस दे रहे हैं, जूम ऐप के थ्रू, लेकिन हर किसी के घर में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, जो तो अच्छे स्कूल हैं, वेल सेटल्ड फैमिलीज हैं, वो तो उस घर में वाईफाई लगा हुआ होता है, गुजारा हो जाएगा, लेकिन गरीब का बच्चा जो है वो तो खुद बेचारे वो एंड्रॉयड फोन अफोर्ड करना मुश्किल है, तो वो बच्चे कैसे उस पर क्लासेस कैसे लेंगे। और कुछ लोग तो मोबाइल देते भी नहीं है ना, करीम अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देता, अपना मोबाइल मोबाइल जो है ना बच्चों के हाथ से कहीं और चला जाएगा तो फिर आपको पता फिर क्या होगा। हाँ, और फिर कितने केसेस सामने आ चुके हैं ना कितने केसेस सामने आए, वैसे मैंने तो कोरोना के केसेस बताए थे, ये वाले कौन से केसेस हैं जो सामने आए हैं। आप देखें बहुत सारे केसेस हैं। असल में इमरान की एक बड़ी क्वालिटी है ये, ये ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन कहीं पे भी ऐसी कोई बात कर देगा जिसका ना मुंह होगा ना सर ना पैर होगा। ठीक है, और सिर्फ एंजॉय करने के लिए, तो भाई इज अ गुड बडी। करीम ख्याल कीजिए, ज्यादा केसेस आना अच्छी बात नहीं, अभी हम लोग बहुत समझता नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैंड सैनिटाइजर स्प्रे सारी चीजें घर में, गाड़ी में मास्क ग्लव्स ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। अच्छी खिलाड़ी हैं आप। हाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर वाले से बड़ी टीम करता हूं। ठीक हो गया, जिशान से पूछेंगे। जिशान, जब आपने स्टार्ट किया क्या मुश्किलात देखी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा था। मुश्किलात सबसे पहले तो मेरी फैमिली की थी, क्योंकि फैमिली जो है मेरी थोड़ी सी देसी टाइप आप कह लें, जिमीदाराना घराने से मेरा तल्लुक है, तो वो समझ लेंगे जमीनों का क्रेज और वो जो वो क्या चाहते थे, क्या क्या बने, वो तो चाहते हैं हर पेरेंट्स का यही होता है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या कुछ मतलब अच्छी पोस्ट पे चला जाए। ठीक है, और सीन क्या हुआ है कि जी जैसे मेरे घर वालों को पता चला कि ये मतलब फोटोग्राफी की तरफ जाने लग गए, तो घर वालों ने समझाना शुरू कर दिया कि रिश्ते अच्छे नहीं होते, या मतलब फैमिली में लोग क्या बातें करेंगे, लोगों ने बातें भी की, उसके बाद मतलब फैमिली में भी लोगों ने बातें की, इस तरह मामला चलते रहे। नहीं, मुझे वैसे आपस की बातें, अच्छा रिश्ता हो गया ना? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली हुआ इस तरह के, मैं जिस तरह के इलाके से बिलोंग करता हूँ, सीन क्या होता था वहाँ पे, अच्छी ड्रेसिंग क्या होती थी जी, बोस्की का सूट और नीचे चीता के शूज। ठीक है, मतलब अच्छी होती है। नहीं, मतलब बड़ी अजीब सी ड्रेसिंग, मतलब जिसका ना कुछ सर ना पाऊ कोई तरीका, अगर लोगों को बोस्की का सूट यार बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ग्रेसफुल अच्छा लगता है, बोस्की का सूट अच्छा लगता है, उसके नीचे कोई कप्तान चप्पल पहने, कोई खेड़ी पहने, चप्पल ही बदल। हां, लेकिन ये तो नहीं है कि आप सर्विस का एक लेके बड़े जोगर लेके आप वो नीचे पहन ले। यार आजकल
आजकल तो सही चल रहा है, वो मैं एक मूवी देख रहा था उसमें वो शादी का इवेंट होता है, वो एक मतलब डांस डांसिंग सॉन्ग है, तो उसके अंदर नीचे उसने जॉगर पहने हुए लिपस्टिक के साथ मैच करके शूट देखा होगा आप तो करते हैं, वो लहंगे के नीचे उन्होंने जॉगर्स पहने होते हैं आजकल, वो तो अभी ट्रेंड चला है। मैं आपको बात बताता हूँ, यार यार पुराना आपने ट्रेंड चलाया, ये तो अब आगे फॉलो हुआ है, असल में ट्रेंड तो आपने शुरू किया था। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरी एक कॉपी है उनकी दोस्त थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने शुरू में क्या करता था कि दोस्तों के बीच वेडिंग्स पे चला जाता था, फ्री में चला जाता था, मुझे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिले, मतलब अपने पास से भी खर्च करके चला जाता था। तो होता क्या कि मैं गया, मुझे इनवाइट किया गया, मतलब एक आपी ने इनवाइट किया, तो वो कहती कि आप ना मेरा वेडिंग शूट खुद करेंगे जिशान भाई। मैंने कहा चला ठीक है जी, मैं शूट करूंगा। मैं वहाँ चला गया तो वो भी कुछ ना इस तरह के देसी से बंदे थे, बड़े देसी से बंदे। तो अब मैं रात को मैं फोटोज खींच रहा हूँ लड़कियों शड़कियों की, तो वो सारे पोर्ट्रेट उतार रहा हूँ, ग्रुप कर रहा हूँ, तो एक बाबा जी जिन्होंने पगड़ी शगड़ी ली हुई है बड़ी, और गए आए हैं और देखते रहे मुझे ना बड़ा गौर से, तो फिर उसी पगड़ी से बांध के मारा। अभी स्टोरी बाकी है। अच्छा, तो वो तो मैं चला गया, वो तो मैं शूट करके घर आ गया। मैं उनको टाइम दे आया कि ब्राइड जरा आप बरात से पहले बुला लिएगा ताकि उनका ना शूट अच्छे से हो जाए। हां बिल्कुल ठीक है। तो वो उसी तरह हुआ, मैं हॉल में पहले चला गया तो लड़कियां आ गई, उन्होंने कहा भाई आप रुके हम ब्राइड को लेके आ रहे हैं जी। तो जैसे ही ब्राइड आई तो मैं अभी कैमरे की सेटिंग कर रहा हूँ, वो बाबा जी फिर आ गए। ओए वो मुझे ना पंजाबी जुबान में अपनी थोड़ा सा अपना जो जी जी जरूर आप उसी लैंग्वेज में बताइएगा। तो आगे मुझे कहते हैं ओए यहाँ पे तारा क्या काम है छोरियों में। बाबा जी मैं मतलब मुझे हायर किया, मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, कौन सा हायर किया, चल वहाँ पे जाके बंदों में बैठ। मैं ना वहाँ पे जाके जेंट्स की तरफ चला गया, तो मुझे ना फिर लड़कियों की कॉल आई, भाई कहाँ रह गए हैं, ब्राइड आ गई, आप आगे बाबू जी का नंबर देना था उन्हें। नहीं नहीं नहीं, तो ब्राइड आ गई है तो आप आके शूट करें। तो मैं जैसे ही आया हूँ तो अभी एक दो क्लिक लिया, तो बाबा जी फिर आ गए, आप पे नजर रखे हुए थे। नहीं, बाबा जी ने एक लंबी चौड़ी गाली दी और आते ही कैमरे को चुप लिया और आगे कहते हैं इबीए मैं तोड़ूंगा। मैं बाबा जी आपकी मेहरबानी, मुझे मैं नेक्स्ट नहीं आऊंगा। तो इस तरह की बड़ा अजीब मुश्किलात बड़ी हुई देखने में आई, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बड़ी अच्छी कंपनी से शूट कर रहा हूँ, बड़े लग्जरी लोगों के मतलब दावत वाला काम कर रहे हैं, अच्छा कभी ऐसा भी हुआ है कि मतलब किसी ब्राइड की पिक्चर है तो दिल खुश हो गया यार ब्राइड बहुत प्यारी है यार, ऐसा होता है? और बार बार ऐसा भी होता है भाई, तो काम मिलना बंद हो जाएगा इनके सवालों में ना जाना। मेरा बेसिकली होता ही है कि यानी पहले मेरे सवाल के जवाब दो, कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी के यार दिल ही नहीं कर रहा इस औरत की तस्वीर खींचने को, ऐसा हुआ? इनकी बिल्कुल इस बारे में भी सुनूंगी, वो कौन सी खवातीन थी जिनकी तस्वीरें बनाने को आपका दिल नहीं किया, और उनका नाम भी मेंशन कर दीजिएगा ताकि दोबारा वो आपके पास ना। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि अच्छा करीम आप भी कोई वाक्य बताना चाह रहे थे? लेकिन वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट था, डिफरेंट ही बहुत ही डिफरेंट था। मैं एक बड़ी पुरानी बात है, शादी के इवेंट्स किया करता था, तो एक ऐसे ही वेडिंग इवेंट में लेडीज सारी लेडीज बैठी हुई है, एक आधा कोई लड़का शायद था उस फैमिली के अंदर जी, और वो मुल्तान का इवेंट था, मुल्तान की बड़ी रिच फैमिली हो। अच्छा मैं गाना गा रहा हूँ। हाँ हाँ याद आ गया, तुमने मुझे सुनाया था ये वाकया। मैंने गा था ये। अरे जब तुम बताओ वाकया क्या था, अभी मैं क्यों बताऊँ, मैं ऑनियर तो बता ही नहीं सकता। अच्छा वो गाना कौन सा? वो गाना करीम ख्याल से बोलिएगा, ऑनियर नहीं बताने वाला कपड़ा हटा है और एक मौलवी साहब सर पे पग बांधी हुई है, इतनी इतनी दाढ़ी और इतने हट्टे कट्टे, वो जो एंटर हुए ना। अच्छा मैंने अब अपने म्यूजिशियंस को यूं देखा, मैंने कहा आज तो मार पड़ गई। अच्छा वो आए स्टेज के पास आ गए ना, नाचने शुरू हमारी अच्छी निकल गई गाने के तरफ। मतलब ऐसे ऐसे वाकयात, मैंने आज आपको कहा था ना कि आज आप बहुत एंजॉय करने वाले, आज आप इनकी असल स्टोरीज आपको बताएंगे कि बिहाइंड द सीन एक सीन होता है ना, बिहाइंड द सीन भी एक सीन होता है, तो ये वो वाले सीन है। इमरान आपके साथ कभी ऐसा सेट पे कुछ हुआ? सेट बहुत दफा हुआ, बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं,
लेकिन बस एक मजा आता है, एंजॉय करना चाहिए आपको जी। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। एक दफा लाइक एक वो सीन में कर रहा था तो पता नहीं कोई सीक्वेंस था, किसी की डेथ हो जाती है ना जी। तो अब बिल्कुल सम टाइम आप बिल्कुल उसमें नहीं होते, स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते कि क्या हो क्या रहा है, किस तरह से हो रहा है। बस आपको ये पता होता है ना कि शूट हो रहा है, कि आपने ये काम करना है, डायरेक्टर बोल दिया यहाँ खड़े हो जाए, ये करना है करना। तो वो किसी की डेथ हो गई थी तो रोना था, तो मैं तो मतलब रो रहा था। तो मुझे जब खत्म हो गया, पैकअप हो गया, सब लोग जाने लगे, तो मैं डायरेक्टर से ऐसे पूछा, मैंने कहा बाय द वे हू डाइड, तो मुझे कह रहे क्या मतलब, वो उनकी मदर की डेथ हुई थी ना। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसलिए तब वो बहुत ज्यादा रो रहे थे। तो मुझे नहीं पता चला कि मरा कौन है भाई, आप पहले बता दो। समटाइम आप बिल्कुल, मेरा बाज़ार ऐसा होता है कि मेरा दिल नहीं कर रहा होता काम करने को ना, कि मैं बिल्कुल वो हो जाता हूँ कि थक जाता हूँ, या बिल्कुल दिमाग को कुछ ऐसे आप, मैं तो हैरान सीन होते हैं। मैं हैरान उस डायरेक्टर पे जिसने आपको ये नहीं बताया कि कौन मरा। अब वो सीन में आप डिफरेंट लोगों के साथ टच होते हैं, आपका रिलेशन किसी के साथ ड्रामे में इतना स्ट्रांग होता है कि उसकी डेथ के ऊपर आपका रोना चीखो पुकार वाला होता है। बिल्कुल, तो मैं पता होता है लेकिन आपको नहीं पता चल रहा होता कि आप उस वक्त सीन में नहीं होते। इसकी क्या वजह है कि मतलब इतना दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है ना, जैसे कि बहुत सी चीजें मुझे ही होता है, मैं जैसे सीन में किसी में रहा हूं तस्वीर बनाते हुए कहते नहीं मेरी फोटो नहीं पुरानी। अच्छा आप अपनी नहीं लेते, कितनी निशी ले लेते, जैसे चीजें चल रही होती। हां जी, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी तस्वीरें आप को बनाने का दिल नहीं करता, कि वो प्यारे नहीं होते या बस उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता? नहीं, बिहेवियर भी अच्छा होता है, कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली ना आपको थोड़ा अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। अच्छा, मतलब लाइक बोर्ड के एक मोटी सी ब्राइड आ जाती है फॉर एग्जांपल। अब वो कह रही है मुझे आके, मैं आपको एक मतलब आएंगे जरूर आएंगे, वो आके कहती है भाई मुझे कैमरे में ना स्लिम स्लिम कर दे, ये नहीं हो सकता। हो जाता है, डांस हो जाता है, लेकिन वीडियो में कैसे करें। तो अच्छा मुझे क्या देते हैं भाई, मैं ना गोल गोल राउंड लूंगी, आप मेरी फोटो ले लें। लेकिन इमरान आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि कोई ऐसी एक्ट्रेस जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो और उनके साथ आपने मोहब्बत भरे सीन किए हो, मोहब्बत भरे इन सेंस की बड़े अच्छे रिलेशनशिप आपके दिखाए गए हो, कोई ऐसे है सीन हुए आपके सेट पे? ऐसा एक दफा हुआ था मेरे ख्याल में जी। वो क्या नाम था उस मुझे उस एक्ट्रेस का नाम ही नहीं, नहीं बताना नहीं चाह रही। नहीं, मैं नाम तो डेफिनेटली नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, और मेरे उसके साथ ऐसे ही कुछ सीन थे जी। तो वो हर सीन पे क्या ये करना जरूरी है क्या, इस तरह से क्या, नहीं वो मेरे पास क्यों आएगा, मतलब ये भाई आप क्या करने आई हैं यहाँ पे शोबिज में। अगर एक हस्बैंड वाइफ का सीन है कि वो आपके पास प्यार से आता है, आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, या आपका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जाहिर है कि मतलब आपको रिंग पहनाना चाह रहा है या आपसे बात करना चाह रहा है, तो आप कह रही हैं कि मुझे टच नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो ऐसी फिर मैंने यही बोला, मैंने कहा बीबी आप ना घर बैठ जाएं, पांच वक्त की नमाज स्टार्ट करें और बस यही कुछ करें, तस्बीह पढ़ें। तो उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया या नेक्स्ट आगे काम करती रही? देखें बात ये है कि आपकी केमिस्ट्री मैच होना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी स्क्रीन पे, स्पेशली नजर आनी चाहिए। अगर आप आपका सीन आपके जो सामने होता है ना को एक्टर, उसकी वजह से अच्छा होता है कि जितना वो कॉपरेट करेगा, वो आपके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, आपकी केमिस्ट्री मैच हो, आपके एक्सप्रेशन अच्छा हो, और एक्शन का रिएक्शन होता है, तो फिर मजा आता है सीन करने में। तो होता है बाजा कुछ ऐसे होती है, और समटाइम ऐसे होता है किसी सीनियर के साथ आप काम कर रहे हैं तो वो आपको ऐसे यूं देखने लग जाते हैं कि जी अच्छा है, बहुत ज्यादा बहुत ऊपर जा रहा है ये वो, उन्होंने अपने कोड रखे हुए होते ना, कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आती थी बाज दफा, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उनको पता चल जाता है कि इमरान के साथ तो ऐसा कोई काम कर नहीं सकते हम। जाहिर टाइम हो गया ना हाँ, काम करते हुए। तो पहले वो होता था मतलब वो मैं समझता था वैसे ही हूं कर रहे हैं, तो डायरेक्टर को होता था कि भाई वो ज्यादा टाइम ले रहा है ये सीन के। अच्छा ऐसा भी होता है, और सब सीनियर करते हैं। फिर मुझे मैं तो हमेशा ही कहता हूँ ये हमारे गुनाहों की सजा है कि जो वबा फैली हुई है, कोरोना है, जितने भी आफात आती है, ये हमारे गुनाहों की सजा है कि आप ना तो अपने उम्र का लिहाज रखते हैं, ना ही कुछ करते हैं, और फिर आप बाद में बात भी करते हैं कि जी हम तो बस ये है अल्लाह अल्लाह करने वाले। भाई अल्लाह सब देख रहा है जी, बेशक अल्लाह सब देखने वाला है। और ये अब आपने इसको ऐड कर दिया कोरोना के साथ के हाँ। जो सीन में नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ, एक जनरल बात की है कि देखें कोरोना आफात तो आती है, आपके अपने अमाल होते हैं जिसकी वजह से आते हैं।
ठीक हो गया। करीम से पूछना चाहेंगे, करीम आजकल कोई फेवरेट सिंगर जिन्हें आप सुनते हैं और आपके बड़े फेवरेट हैं आजकल के सिंगर्स? इफ वी टॉक अबाउट द पाकिस्तानी सिंगर्स, नबील शौकत इज माय फेवरेट, और बाकी मैं सबको सुनता हूं। सारे पसंद है आपको? हाँ, सारे अच्छे हैं। फीमेल में कौन पसंद है आपको ज्यादा? फीमेल में वो मोमिना की आवाज मुझे अच्छी लगी है। ठीक है, अगर मोमिना या आयमा में से दोनों में से किसी एक सिंगर के साथ मौका मिले डुएट करने का तो किसके साथ करेंगे? मोमिना। मोमिना के साथ, क्योंकि उनकी आवाज बहुत अच्छी है। हाँ, उनकी आवाज अच्छी है, इसलिए आप उनके साथ करना चाहेंगे। इमरान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभी कोई ऐसा करेक्टर जिसके बारे में आप सोचते हैं कि हाँ मुझे इस पे काम करना है, बेशक वो हो चुका हो किसी फिल्म में या अभी ना हुआ हो और आपके माइंड में हो कि हाँ एक ऐसा करेक्टर होना चाहिए जो मैं कर सकता हूँ और मुझे लगता है मैं बेस्ट करूंगा? यार मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक ऑलमोस्ट सब कैरेक्टर्स कर लिए हैं। अभी रिसेंटली जो मेरा चल रहा है, मैंने लाइफ में पहली दफ़ा नेगेटिव कैरेक्टर किया था और जब मैं सेट पे गया तो मुझे, मैं मेरे ख्याल में पहले भी बता चुका हूँ आपको कि मुझे बिल्कुल, मैं मेंटली उससे प्रिपेयर्ड नहीं था कि मैं ये कैरेक्टर कर पाऊंगा। मैं डायरेक्टर से बोला था कि सर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नेगेटिव कैरेक्टर है, मैंने लाइफ में कभी किया नहीं है। मैंने ज़्यादातर इमोशनल सेंसिटिव, मतलब इस तरह से वो केयर होने धोने वाले कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन जब वो मैंने किया तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने ही किया है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि लोग जब आप पे लिखते हैं आपके बारे में, कमेंट्स पास करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। रिव्यूज बहुत अच्छे आए थे और अभी रिसेंटली परसों कोई, मैं अपनी फैमिली के साथ निकला हुआ था तो एक खातून ने मुझे बोला कि तुमने क्यों मारा उस लड़के को ना, तो मैंने कहा भाई स्टोरी में था, मैंने थोड़ी मारा था, मेरे रिश्तेदार तो नहीं था। वो ऐसा भी होता है कि जो करेक्टर आपका उसके अंदर गुंडा बने हुए आप, ठीक है, वो ज्यादातर कमेंट्स ऐसे आते होंगे यार ये कोई इंतहाई फारिग आदमी, यार कितना बुरा आदमी, क्योंकि विलेन को अक्सर गालियां दे रहे होते हैं। लेकिन वो आपको पता है अगर विलेन ड्रामे में ना, वो आपका हीरो जीरो है। हीरो का पता तभी चलता है जब विलेन सामने आता है। आप और मैं तो समझ गए, बहुत बेहतर पता है, जवाब दे दिया। हां मैं इसका जवाब दूंगा अच्छी तरह से, जवाब है ठीक है। लेकिन ये कि मजा आता है मुझे आजकल, वैसे ये शौक है कि मैं किसी, मतलब एक साइको का कैरेक्टर करना चाह रहा हूँ, बड़ा दिल कर रहा है मेरा। जैसे भोले वाला था वो, खैर वो साइको नहीं था, वो कोई और तरह का था। मतलब मैं एक्टिंग करना चाह रहा हूँ, एक परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। मैं ऐसा वैसे बोला छोला कुछ नहीं करना चाह रहा जिसमें कोई एक्ट ना हो, ऐसा मजा नहीं आता, ऐसा मजा नहीं आता। ठीक हो गया, लेकिन ज़ीशान की बात अंदर ही रह गई थी, कौन सी खवातीन है जिनका शूट नहीं करना चाहते और क्यों नहीं करना चाहते? अच्छा, कुछ खातून होती हैं जो ना, हाँ जी, नहीं नहीं मोटे होने के अलावा ना, मतलब स्मार्ट भी होती है। सोचने का मौका दिया, नहीं नहीं मैं मतलब सारी सबको मेंशन करना चाहता हूँ ना, ताकि वो मोटी बाजियां गुस्सा ना कर जाएं। सीन यूं था कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्राइड है, आप उनको कह रही हैं कि आप इस तरह खड़े हों या इस तरीके से शूट करवाएं, वो कंप्रोमाइज ना करें आपके साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप उनको कह रही हैं कि आप यहाँ पे देखें और वो यूं देख रही हैं, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि स्माइल दें, तो मतलब ये बड़ा अच्छा, होता है, ये मतलब मुझे लगता है आजकल लड़कियां बड़ी एक्टिव हैं, उनको पूरा पता होता है कि किस तरह से शूट करवाना है, इवन कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं, तकरीबन अभी भी तकरीबन 70 प्लस जो है ना करनी पड़ती है। तो कोई ऐसी बाजियां भी हैं जो होंगी ना जिन शादी से ही खुश नहीं होंगी, उनका जितना कहते रहे ना बाजी जरा ऊपर देख के, इतना नहीं हो सकता शादी से ऊपर देख के, वो देखती नहीं है। आप पूछते हैं मैं तब आपकी तस्वीरें बनाऊंगा, पहले बताया खुश है नहीं, ऐसा सीन नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताया, ऐसी बाजियां भी होती हैं, क्योंकि आपने कहा ना मोटी बाजियां, और कोई ऐसी बाजियां भी होती हैं जो बहुत ही स्मार्ट होती है, ऐसे लग रहा होता है कपड़े हैंगर पे लटकाए हुए, अक्सर हमारी माएं भी कह रही होती हैं, तो ऐसी बाजियां भी होती जो कहती है मुझे थोड़ा सा हेल्दी दिखा दीजिएगा? नहीं नहीं, हेल्दी का तो बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं कहा, बिल्कुल नहीं बोलती, बस ये कहते हैं कि लुक वाइज जरा अच्छे आए। तो वो वही बाजियां भी होती है जो कहती है जरा मुझे वाइट दिखाइएगा? वो तो बड़ी ज्यादा होती है, मैं मोटी आ रही हूँ, मैं ये प्लीज मेरे दाने खत्म कर दिएगा, और प्लीज प्लीज ये जरा मैं स्मार्ट नजर आऊं, मतलब इस तरह के बड़े केसेस आते हैं हमारे पास। अच्छा चलिए, अब दुल्हा जी के बारे में भी बताइए, दुल्हा जी भी ऐसे होते जाते हैं, बहुत केसेस आ रहे हैं मतलब वो मैं आपको बताता हूं, मैं रिसेंटली मैंने एक वेडिंग की, तो वहां पे ना थोड़ी सी मोटी मोटी शादी होगी टोटल आपकी, मैंने वेडिंग कवर की। अच्छा तो सीन इस तरह हुआ कि मैंने ब्राइड को बोला कि आप ना स्टेज से नीचे आके राउंड कर लें, अगर आपने राउंड करना है तो। वो कह रही नहीं मैं स्टेज पे कर लूंगी, मैं इजीली कर लूंगी, और वो गिर गई, और वो एक राउंड लिया थोड़ा, मैंने कहा आप जरा स्पीड से घूमे, तो वो जैसे ही उन्होंने थोड़ा स्पीड से लिया और स्टेज से नीचे आ गई। ओहो अल्लाह हू अकबर। फिर मैंने अपने कैमरे की सेटिंग शुरू कर दी कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है,
और मतलब तुमने कवर कर लिया जी, मैंने कवर कर लिया। लेकिन ये है कि तुम स्टूडियो में बैठ के बहुत हंसे होगे, सबको दिखाया होगा। नहीं, मैं उस टाइम भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी, क्योंकि मतलब ये हंसा था स्टूडियो में। ये बाद में बड़ा वो मजा आ रहा होता है जब आप ये आपके शो से जाने के बाद भाई का 50% धंधा खत्म। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन काम अगर अच्छा हो तो लोग बिल्कुल काम 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 आगे बोलते हैं। नहीं, आप सबके भेद खोल रहे हैं। अच्छा करीम, आप बताइए, नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं कोरोना की वजह से, तो आपके भी स्टॉप हुए होंगे? प्लान तो था बल्कि मैं और इमरान हम इकट्ठे थे, हम एक ईद के लिए भी हम एक करना चाह रहे थे वीडियो, लेकिन खैर बीच में एक और रीज़न भी थी जिस वजह से हम उसे नहीं कर सके। ऑब्वियसली इसमें लोकेशन आपको चाहिए। अभी आपने देखा है कि इस दौरान जितने भी गाने हैं लोगों ने अपने घरों के अंदर किए हुए शूट, घरों के अंदर शूट किए हुए या इनडोर किए हुए। अब वो मेरा गाना इस तरह का है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब आउटसाइड है, तो वो अलाओ मतलब मसाइल काफी ज्यादा है, इसलिए फिर हमने उसको नहीं किया, रोक दिया। ठीक हो गया। गाने की बात हो रही है तो यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से पहले हम करीम की खूबसूरत सी आवाज में का खूबसूरत सा गाना सुनेंगे। ओके। कागे उड़ावा शगन मनावा वग दीवा दे तरले तेरी याद पवे तेरोवा हाय तेरा जिक्र करा ते हसा माया किधरे ना पैदिया दस वे परदेसिया परदेसिया तेरिया किधरे ना पैदिया दस हो शाम उड़ीका फजर उड़ीका आखे ते सारी उम्र उड़ीका आड़ गवाड़ी दीवे बल दे आड़ गवाड़ी दीवे बल दे रब्बा साडा चानन कल तेरी याद पवे तेरो दर्द न दसा खुल दी जावा राज न खोला है रुल दी जावा इसनु दिल दे दर्द सुनावा किसनु दिल दे दर्द सुनावा किस दर आगे चोली डावा तेरी याद पवे तेरो
वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक से पहले करीम खान ने अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में हमें खूबसूरत सा गाना सुनाया और इनके साथ इमरान खान मौजूद हैं और ज़ीशान भी मौजूद है। लेकिन अब आपको हम एक सरप्राइज़ देंगे जो कि मेरे दूसरे मेहमानों के लिए भी सरप्राइज़ था। आज हमें ज्वाइन किया है हमारे बड़े प्यारे मॉडल, तो बड़े ज़बरदस्त थे लेकिन आजकल एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे एज़ यूजुअल हिट हैं और दूसरों को भी तरीक़ाकार बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कैसे हिट होना है। और ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप सोशल मीडिया पे हिट नहीं होते ना, तो लोग आपको पहचानते नहीं है, पहचानते कम लोग पहचानते हैं, ये ज़रूरी हो गया। तो जी मैं वेलकम करना चाहूँगी कर्नल औरंगज़ेब का। खुश आमदीद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हो? आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब देखता हूँ माशाल्लाह आप और स्मार्ट हो, तो क्या कर रही हो यार, क्या खाती हो? अच्छा मैंने आपका इंटरव्यू करना है। रोजों में कोई मतलब कोई वो दीनी कोई उस पे तुमने कोई वो मतलब का काम किया है, कोई उस पे नूर आ गया, क्या चक्कर है ये? बिल्कुल, मैंने रमजान ट्रांसमिशन किया, दुपट्टा देखे इतनी जबरदस्त रही। और आप मुझे अब बताएं आप घर पे क्या करते रहे इससे पहले कि इमरान मुझे जवाब दे? आप मुझे बताइए क्या इससे पहले कि इमरान और करीम मेरी इस पे किट लगाए, मैं बताता हूँ। मैं पोछा मार का मैं खाने बनाता हूँ आजकल, हर तरह के घर डिटॉल डाल के पूरा अच्छी तरह से डिटॉल डाल के आप भी डालते पेश करेंगे। अच्छा ठीक हो गया, आपने ये सारे काम सीख लिए, ये सिखा दिए गए हैं? सिखा दिए गए जी, जबरदस्ती डंडा देके, मतलब अब आ रही है ये सारे काम। फौज में डंडा मैंने लोगों को दिया ना, अब वो मुझे मिल रहा है वापस आ रहा है, अब वो बड़े इंटरेस्ट के साथ डंडा वापस आ रहा है। इतना अच्छा डिसइंफेक्ट करता है ना, तरीका बताता है आपको कि इसको किस तरह फ्लोर को साफ करें। अच्छा इमरान जी ना एक्सपर्ट है, इमरान आप भी काफी स्मार्ट हुए हमें। हां अल्लाह का शुक्र है, इसीलिए मुझे बताया। बेचारा अपनी छत धोता है डेली जाके, वॉशरूम धोता है, अपना सारा फ्लोर साफ करता है, बर्तन को उठा के ना कपड़े से यूं करके पसीने के साथ साफ कर रहा होता है, पता नहीं क्या क्या करता है। पिछले तो देखे ना स्मार्ट हो गए ये भी। अच्छी बात है ना, इंसान को काम करने चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए जैसे करना। देखिए मुझे अच्छा, अगर मैं इस तरीके से बंदा एक्टिव रहता तो आज से मैं भी, मुझे एक बड़ी जोर की बात है कि मुझे चलने दे। मैं अभी सुन रहा था ना इमरान की बातें, वो जो ब्रेक से पहले वो कर रहा था, तो मुझे एकदम से ख्याल आया जिसने कहा ना कि मैं एक कौन सा रोल करना चाहता हूँ। बात सुने, रोल वो होता है जो आप एक्ट करें, जब आपने एक्टिंग ही नहीं करनी तो वो क्या रोल हुआ? वो तो सिर्फ रिकॉर्ड होना है, लाल बत्ती जलनी है रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मसले कौन से? अच्छा, इससे पूछो, ये कभी किसी के सामने मेरी कॉल नहीं ले सकता। उसकी क्या रीजन? उसकी वजह ये वीडियो कॉल बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आप किसी दोस्तों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो रियल लाइफ में कैसे उन्हें एक शो लाइव में बिठा दे और खामोशी से सिर्फ ये पूछे कि हो क्या रहा है, फिर आपको जरूरत नहीं होगी दूसरा सवाल करने की। और इससे क्या वजह है क्यों कॉल नहीं लेते आप? आप मुझे बताएं, मेरे साथ मेरी बीवी बैठी हो, ये कहते हैं हेलो डार्लिंग, डार्लिंग का तो खून खुश होगा ना, बीवी कह गया कि चक्कर चल रहे हैं। तो आप बताएं मैं सुन सकता हूँ ऐसी कॉल्स? अच्छा मैं भी कभी किसी के साथ नहीं कर सकता। हेलो जानू क्या, मैं कह यार ये जानू क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हारी तो स्पीकर है, मैं बाहर ही सुन सकते हो, जानू आ जाओ। नहीं मतलब कोई भी आपका फोन नहीं उठाता इमरान, क्या वजह है? देखा शर्म ही नहीं आती इमरान, इसका मतलब प्रॉब्लम हम में नहीं, प्रॉब्लम तुम में है, बकवास कर रहे हो। अच्छा सुन वॉइस आपकी जो यंग वॉइस है, आपका फोन नहीं उठाते तो लड़कियां तो बिल्कुल आपका जो लड़कियां बहुत अच्छी हैं, फोन फोन उठा लेती हैं, उन्होंने मुझे अपने दर्द सुना दिए, मेरा तो सुनना ही नहीं होता उन्होंने। लेकिन कर्नल में एक खास बात है, इसका घर ना रास्ते में पड़ता है, आप कहीं से भी आए जाए ना तो आपको रास्ते में पड़ता है। समटाइम मुझे घर चाहते हुए भूख लग जाए फोन कर, लेकिन बहुत अच्छा, इतना अच्छा सैंडविच खिलाएगा। पिछला लास्ट टाइम जो केक खिलाया था आपने, शो के बाद मैं और मेरी टीम आपकी तरफ आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग आपके हाथ का सैंडविच खाना चाहेंगे। बिल्कुल निशान, आप भी जरूर जा सकते हैं। बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम, कैमरा लेते आइए, आइएगा बहुत जरूरी ताकि हम आपको कोई मोटी आंटी नहीं मिलेगी वहाँ पे। अच्छा अब ज़ीशान से बात करेंगे। ज़ीशान आपने अपना ऑफिस बना लिया हुआ है, आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं टीम में? मेरे अभी जो है तकरीबन 7-8 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पे जो मुख्तलिफ सिटीज में, मतलब बहावलपुर, मुल्तान, हीमिर खान, मुख्तलिफ इलाकों में जाके काम कर रहे हैं। जबरदस्त। कोई ऐसी वेडिंग जो अभी तक आपको याद होगी, क्या काम किया था मैंने?
मतलब कितना अच्छा काम किया था, मैं रिपीट कर देती हूं। मेरे अपने इलाके में एक मेरा दोस्त है सुलमान, उसकी वेडिंग की, वो भी बड़े मजे की हुई। और रिसेंटली मैंने वेडिंग की रीगल सिटी वाले जो हैं उनकी वेडिंग की, वो भी बड़े अच्छे से मैंने कवर की। मतलब अच्छा जिशा मुझे बताइएगा, जो बहुत ज़्यादा बड़ी शादियां होती हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा होता ये मेहंदी है या कॉन्सर्ट चल रहा है, वो शादी कवर करने में मज़ा आता है या सादगी वाली जो शादी होती है उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से बहुत एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी सादगी से शादियां की है। गलत पॉइंट करती है ना, उससे कह रही थी कोरोना जो है ना, कोरोना आया ना, मतलब मैं क्यों कोरोना मैं शो कर रहा हूँ अच्छा वो इस तरह है कि जितने कम लोग होंगे आप उतने अच्छे से वेडिंग कवर कर लोगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली वेडिंग्स एक ऐसा मोमेंट है जिसमें मेरे ख्याल में उसको इंजॉय करना चाहिए आपको, ना कि आप उसको अपनी सरदर्द बना लें। आप 1000 बंदा इन्वाइट करके उनको खाना खिला रहे हैं, प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, आपकी बच्ची का शादी है या बच्चे की शादी है तो आप टाइम ही नहीं दे पा रहे। मतलब मैं अब ये मैंने खुद प्लान किया हुआ है कि कुछ इस तरह के इवेंट हो जो प्रॉपर अपने पेरेंट्स हैं या मतलब फैमिली मेंबर्स हैं वो आप प्रॉपर एक इवेंट को टाइम दे। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी लड़की की रुखसती है, उसका निकाह है, तो उसको प्रॉपर इंजॉय करें अच्छे तरीके से, मतलब उसको उसकी रुखसती हो, मतलब एक जो मतलब आप चाह रहे हैं कि सादगी की जो शादी हो ज्यादा अच्छी कम लोग होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह, ताकि आपकी जो कवरेज है वो भी बड़े अच्छे से हो, बड़े एंटीक किस्म की, और उसके अलावा आप प्रॉपर एक थीम क्रिएट हो। मिक्स का जवाब दे रहे हैं कि दोनों ठीक है, दोनों में काम मिल रहा है। मैं सोच रहा था इन्होंने कहा कि एक भागपुर में शादी की, एक उधर शादी की, कितनी शादियां की है आपने? फोटोग्राफर एक दूसरे को बताते हैं कितनी शादियां कवर की अभी तक से? अभी तकरीबन 100 प्लस हो गई। जबरदस्त क्रेज ही खत्म हो गया होगा। सॉरी अपनी बात क्या ठीक है, खत्म शादी मतलब बिल्कुल भी खत्म हो गया ना, शुरू शुरू आपका एक भी हो गया, शुरू शुरू में मुझे लग रहा है क्या होगा ये बात का बताओ। हाँ जी अच्छा, उसको मत ऐसी बातें बताओ ना, उसने चाय ने भी करनी है, तुम बताओ। उनको बताऊंगा मैं, आपकी शादी होगी है अब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा तो वो सीन इस तरह है कि शुरू शुरू में होता था, फील होता था कि यार क्या एनवायरनमेंट है, किस तरह होगा अपनी शादी, किस तरह होगी सारे मामले, लेकिन ना अब यूजफुल हो के मतलब एक अब यूज टू हो गए, पता नहीं चला। औरंगजेब ईद कैसे गुजरी? ईद बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल घर पे जी, बिल्कुल फैमिली के साथ, फैमिली डिनर, फैमिली ब्रेकफास्ट, फैमिली लंच, जबरदस्त। और ईद के पहले जो कोरोना वायरस आया, जो लॉकडाउन हुआ, उसमें भी घर में रहे या कोई एक्टिविटी आपने कोई और अपना ली? एक शूट पे गया था दराज वालों का, उसके बाद इतनी बेइज्जती कराई घर वालों से के उसके शुक्र है मुझे लगा शायद वहां से हो गई। नहीं नहीं, वहां बेइज्जती हुई, घर वापस नहीं, वहां नहीं हुई, वो तो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन उन्होंने बड़ा इंतजाम किया हुआ था, एवरीथिंग वाज वेरी कवर्ड और बड़ा प्रिकॉशनरी मेजर सारे लिए हुए थे। घर वालों से काफी बेइज्जती हुई, भाइयों ने कॉल करके कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, किधर जा रहे हो, लॉकडाउन हुआ है, तुम शूट पे गए हो। फिर उसके बाद एक दो शूट्स आए, मैंने फिर वो नहीं किए। फिर मैंने कहा लेकिन ईद के बाद यू नो लाइफ हैज टू गो ऑन, अब जिंदगी रुक नहीं सकती, हमने इसी तरह इन्हीं प्रिकॉशंस के साथ जिंदगी गुजारनी है, तो बस। लेकिन औरंगजेब क्या लग रहा है कि अब काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, चाहे वो मॉडलिंग हो या एक्टिंग हो, क्योंकि काफी टाइम हो गया ना अब हम लोग घरों में बैठे हुए? बिल्कुल इरम, अब काम शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज ये वो तो है नहीं कि जो महीना दो महीने की बात है, तो सालों की बात है, और ये आई थिंक दिस हैज टू बी अ लाइफस्टाइल। हमने देखना है कि इसी को अपने लाइफस्टाइल के अंदर किस तरह इनकॉर्पोरेट करके हम अपनी जिंदगी को आगे चला सकते हैं। इमरान ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी कि हमें यूज टू होना पड़ेगा, जैसे एक नॉर्मल बीमारी शुगर की होती है ना, और हमें पता होता है कि हमें किस वक्त ये मेडिसिन खानी है और कैसे अपने आप को बचाना है, इसी तरह से अब हमें वायरस के साथ भी यूज टू होना पड़ेगा। अल्लाह करे ये चला जाए, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आप सुबह उठें और ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा जब तक वैक्सीन नहीं बनती, तब तक हमें इसके साथ रहना है। और इमरान ने बड़ी अच्छी बात की, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इमरान ने अच्छी बात की, पहली दफा जिंदगी इमरान आपने काफी एड्स किए और आप एक पेज पे काफी हिट नजर आए कोरोना को लेके, आपने कोरोना को लेके ऑपोजिशन के लिए भी बात की, गवर्नमेंट के लिए भी बात की, और बड़े खूबसूरत अंदाज में बात कह भी दी
हिंदी मजाक मजाक में, तो कहाँ से आया ऐसे आइडियाज? अच्छा बेसिकली ये आइडिया मेरा नहीं था, क्रीम को भी जाएगा मेरा ख्याल है। हाँ क्रीम ने मैं तो सिर्फ एक्सप्रेशन दिए थे बस, वो मैं तो मुझे लोगों ने जो यार आपने सेशन देता है उसने ऑन एयर भी दे दिया। अच्छा ऐसे बेसिकली ये क्रेडिट जो है ये सारा जो उस वीडियो के डायरेक्टर हैं ऑन खोसा, ऑन अली खोसा, उनको जाता है, और ये आइडिया भी उसका था। बेसिकली ये गवर्नमेंट का ही आइडिया था, तो ये हमने पीटीआई की तरफ से ये किया की थी वीडियो, उनकी ऑफिशियल वीडियो थी, उनके ऑफिशियल पेज से ही ये वायरल हुई थी। एक ये हुआ था और इससे पहले एक और वीडियो थी वो भी हमने किया था, मेरे ख्याल में करीम था मेरे साथ। नहीं नहीं पहले वाली में नहीं था, अभी जो लास्ट ईद के लिए किया था उसमें। हाँ ईद उसमें हमने किया था, तो मतलब ये गवर्नमेंट का ही आइडिया था और बहुत अच्छा था। लोगों को एक्चुअली कुछ देखने को मिला कि कोरोना बेसिकली हमें क्या, हमारे उसमें जो हमने बेसिक जो उसमें सेफ्टी मेजर्स थे वो किस तरह लेने हैं, क्या करना है, तो ये होना चाहिए। और बाकी अपोजिशन की जहाँ बात कर रही है तो उन्होंने तो ये कुछ करना है भाई, मुझे ठीक है तो मैसेज भी कन्वे हो गया, क्योंकि जब आपको ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे औरंगजेब एक बेहतरीन मॉडल और एक्टर हैं, करीम एक बेहतरीन सिंगर है, इमरान एक जबरदस्त एक्टर है, तो लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आप जो बात कहते हैं ना लोग आपकी बात सुनते हैं, बजाय कि मैं या कोई और आके ये वो बात कहे तो इतनी नहीं सुनी जाती। और मेरा ख्याल है कि जैसे इमरान ने काम किया या औरंगजेब सोशल मीडिया पर एक्टिव थे या करीम मैसेज कन्वे कर रहे थे, हम तमाम लोगों को इस तरह के मैसेज कन्वे करने चाहिए, लेकिन उसके साथ जो टोटके बताए जाते हैं ऐसी सोशल मीडिया पे वो बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि उससे किसी का भी नुकसान हो सकता है। आप वो मैसेज कन्वे कीजिए जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। आप डॉक्टर मत बनिए, क्योंकि जितनी भी मैंने वीडियोस देखी बड़े जिम्मेदारी से लोगों ने अपने मैसेज कन्वे किए, और बहुत सी मैंने ऐसी भी देखी जिसमें बताया गया था कि प्याज के इस्तेमाल से कोरोना खत्म हो जाता है और लेमन के इस्तेमाल से खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया एक अच्छा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना मैसेज कन्वे करते हैं, बड़े अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी हैं आपकी पाकिस्तानी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे दूसरों को जज करने के लिए। क्रीम से गाना सुन ले औरंगजेब, क्योंकि मैं चाह रही हूं कि आप इनके वो एक्सप्रेशन दोबारा से लाइव देखें। मैं गाना भी सुनाता हूं और इसके साथ वो जो आप अभी बात कर रहे हैं, एक वो कोरोना वाले बाबा भी थे बंगाली बाबा, कोरोना का खात्मा। हां 100% हां जी मुझे भी सच में ये था, और 100% लेकिन उन सबकी ना रीइंस्टॉलेशन हुई है ना, मतलब उनके अंदर जो वायरस था वो रीइंस्टॉल होता है। अच्छा क्रीम गाना सुना रहा है, तो मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे है आज, खुरम सितार उनका नाम है, और मेरे ख्याल में करीम ये गाना उनको डेडिकेट करते हैं। हाँ, और फिर हम सबकी तरफ से विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे खुरम, हैप्पी बर्थडे खुरम सितार, हमेशा खुश रहे, और इमरान ने हमें आज आते साथ आपके बर्थडे का बताया, सब पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, आपको उसे केक खिलाना है, पहुंच जाना तुम। सा वो मुझसे हो गया है, शायद वो मुझसे खो गया है, कभी सोचा न था मैंने, कभी मैंने ये न चाहा, पर वो शख्स अजनबी हो गया है। रब्बा वे मैं तो दूर वो हो गया, रब्बा वे को तन्हा छोड़ के हो गया खैर वो, हो गया खैर वो, मुझको करके तन्हा तन करके मेरी आंखें नम हो गया खैर वो, हो गया रब्बा वे, वो है मुझे
से क्यों लापता रब्बा दे रहूं से कैसे जुदा रब्बा दे मेरा हाल क्या कर गया रब्बा दे मैं तो जीत जी मर गया क्यों नहीं वो जानता क्यों नहीं वो जानता वो सो मुझसे दूर है चाहत और मेरी खुशी क्यों नहीं वो मानता क्यों नहीं वो मानता रब्बा बे तो वो जान ले रब्बा बे मेरा दर्द पहचान ले रब्बा बे मेरा हाल क्या कर गया रब्बा बे मैं तो जीत जी मर गया आप एक जगह पे खड़े होकर गाते फिर आप परफॉर्मर नहीं होते देखिए ना पड़ रहा है वो गाना गा रहा है कैसी बात कर रहे इसको साइको किसने मैंने कहा था मैंने इसलिए बताया था कि इसको रोल करने की जरूरत नहीं है बस इसने खड़े होकर अपना आप होना लोगों ने कहना कितना नेचुरल एक्टिंग इमरान ने मुझे बात की मैंने इतनी रिस्पेक्ट दी मैं कहा हाँ बिल्कुल करना चाहिए आप लोग जैसे बिल्कुल मौका नहीं दे रहे करीम अपने इस गाने के बारे में बताएंगे इसकी वीडियो बन चुकी है और इसका वीडियो हमने करना था बेसिकली वो गाना था तो हालांकि आपको सवाल नहीं करना चाहिए था मेरा गाना चोरी ना हो जाए अच्छा वो एक्चुअली करना चोरी करेगा शर्म आनी चाहिए मैं तो कहूंगा ऑन एयर बता रहे ये दिल चोरी करते हैं ये कोई साइको करेक्टर वाली थोड़ी है अच्छा मैंने नोट किया है करीम जब तक कर्नल साहब नहीं आए थे ना बिल्कुल साथ थे एक थे अंडर प्रेशर था पहले ना बेचारा ये मजबूत पोजीशन है बाकी मैं हूं तो फिकर मत करो आई एम हियर फॉर यू नाउ यस यस औरंगजेब से बात करेंगे औरंगजेब नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं एक्टिंग करके कैसा लगा औरंगजेब बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइको कैरेक्टर नहीं मिला था बड़ा अच्छा कैरेक्टर मिला एक बड़े अच्छा नेगेटिव रोल मिला था बड़ा अच्छा जो कि मैंने बहुत अच्छा तरह से नेगेटिवली किया अच्छा और वो जिसने चाचा बने हुए चाचा वाला चाचा बने हुए अभी भी लोग मुझे कहते हैं मुझे ना कई लाइक आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस जालिम चाचा हाउ आर यू क्या बात है मतलब नाम ही पड़ गया ना जालिम चाचा लोग आपको उस कैरेक्टर से जानना शुरू करते हैं जैसे इमरान को आजकल पूछ रहे हैं कि आपने कत्ल क्यों किया कोई बंदा पूछे सच में थोड़ी किया अच्छा और इनसे बताइएगा मॉडलिंग करके ज्यादा अच्छा लगा या एक्टिंग आई थिंक एक्टिंग में ज़्यादा डाइवर्सिटी है सो आई थिंक आई वुड से कि मॉडलिंग का अपना एक चार्म है आप वो डेंटिंग पेंटिंग हो के आप ज़रा स्टाइल स्टाइल मार लेते हैं एक्टिंग में स्टाइल स्टाइल नहीं है आपके बाल बिखर रहे हैं आपका जो मर्जी हो रहा है व्हाटएवर तो वो उसका अपना एक चार्म है बट आई थिंक एक्टिंग इज मोर फन अच्छा और लोग कहते हैं कि आजकल तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हर कोई अपने नाम के साथ मॉडल लगा देता है चाहे वो लड़की हो या कोई लड़का हो तो मुझे ये बताइएगा कि क्या मॉडलिंग करना आसान काम है हर कोई मॉडल हो सकता है हर कोई मॉडल बन सकता है आई थिंक अगर मेहनत हर कोई करे तो बिल्कुल हर कोई बन सकता है लेकिन आई थिंक कुछ लोगों में जिस तरह होता है ना कि हांडियां सारी ख्वातीन बनाती हैं पर टेस्ट किसी किसी के हाथ में होता है और वो आजकल औरंगजेब के हाथ में है व्हाई डोंट यू आस्क टू कास्ट हां बिल्कुल आप मुझे बताएंगे
मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल हर बंदा डीएसएलआर लेके फोटोग्राफर हो जाता है ना, हाँ, क्या बात? तो उसी तरह हर बंदा आज टिकटॉक पे मतलब समझ ले कि छोटी छोटी वीडियोस बना के मॉडल बन रहा है, एक्टर बन रहा है, तो मतलब इस तरह के मामले चल रहे हैं। लेकिन बहुत से टिकटॉक पे एक दो लोग हैं जिनकी फिल्म भी आ रही है और वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, अब अल्लाह जाने क्या वो एक्टिंग कर कैसे रहे, क्योंकि कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे हैं कि वो जितना अच्छा टिकटॉक पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइव बैठ के उतनी अच्छे से बात नहीं कर पाते। बददुआ लगी हम सबको, टिकटॉक ही चल पड़ा, बाकी सब काम बंद हो गए। टिकटॉक की भी जो रेटिंग है बहुत कम नीचे आ गई है, तो वो कुछ अच्छा। और साहब आपने देखा होगा, मैं इमरान से भी राय लेना चाहूंगी, टिकटॉकर के खिलाफ नहीं है, हम कुछ टिकटॉकर जो लोग सही कंटेंट जो है वो नहीं दे पा रहे आवाम को, उनके बारे में बात करें, लेकिन उनका प्रोटोकॉल आपके और आपसे ज्यादा है, जो आप लोगों ने इतने काम किए हुए या आपने इतने कॉन्सर्ट किए हुए या आपने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान के अलावा दूसरा हम जाए मुल्क में भी इतना काम करके हैं, फिल्म की है, जिस तरह से धूप है, शाम है, बारिश है, जो भी आप काम करें ना, उतना प्रोटोकॉल शायद हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस को, मॉडल को या सिंगर को नहीं मिलता जितना टिकटॉकर को मिलता है। मॉल जाए ना तो आपके इर्द गिर्द अच्छे खासे बड़े बड़े लोग खड़े होते हैं, बाउंसर खड़े किए होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हाँ ठीक है जो चल रहा है या नहीं? हाँ नहीं, मेरा ख्याल है हक है, ठीक है, अगर उनकी उस लिहाज से फॉलोइंग हो रही है तो ठीक है, जिस तरह मर्जी हो रही है, ये और बात है कि वो कोई एक डायलॉग है और वो बस उसी को रिपीट अगर कर रहे हैं, उसमें अपनी इंजेन्युइटी कुछ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया उनको मशहूर कर देता है, फॉरवर्ड 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 हो रहा है, उस पर उनकी हो रही है, ठीक है। इमरान आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो पाकिस्तान में सबसे पहले तो नेगेटिविटी बहुत हिट है भाई, और मेरे ख्याल में कि जो रियल टैलेंट है वो आपका छुप जाता है किसी की आवाज़ पे या किसी सॉन्ग पे आप एक्ट कर लें और लाइव वो आप काम ना कर सकें, तो ये कोई मेरे ख्याल में कोई टैलेंट नहीं है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये प्लेटफॉर्म्स का ना होना हमारे पाकिस्तान में ये अलमिया है जिसकी वजह से जो है जो रियल एक्टर हैं वो लोग जो है वो ज़्यादा प्रमोट नहीं हो रहे थे। आप ये देख लें कि मैंने पहले भी एक शो में कहा था कि हम साया ममालिक में म्यूज़िक से रिलेटेड कितने बड़े बड़े जो है वो शोज हो रहे होते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो अब आप देख लें नबील शौकत वहाँ से आए हैं, मुलाजिम हुसैन वहाँ से आए हैं, अमानत वहाँ से आए हैं, सारा रजा वहाँ से, असद अब्बास, अली अब्बास, मतलब बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो वहाँ से निकले हैं। अगर ये काम यहाँ पर हो तो क्या वो पाकिस्तान में सिंगर नजर नहीं आएंगे? देखो पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हम हर वो चीज़ हिट होती है जो जिसके साथ टैग लग जाए, हमारे हमसाया मुल्क का मतलब ये कि वहाँ से आए हैं या बाहर से आए हैं कुछ करके आए, हम लोगों में खुद में क्यों ऐसे कोई वो चीज़ नहीं है कि हम किसी टैलेंट को पहचान सकें? हमारे पास तो जजेस ही नहीं है, अगर म्यूजिक का शो हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें एक्ट्रेस को जज बिठाया हुआ होगा कोई, उसमें मुझे लगता है हमारे मौसीकार मर गए सारे, कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है। पाकिस्तान में जो मौसीकार और सिंगर है वो तो हमसाया मुल्क में भी माने जाते हैं, लेकिन वो बदकिस्मती से उन बेचारों को अपने ही शो में अपने ही मुल्क में नहीं है कि जहां पे उनकी प्रमोशन की जाए। एंड आई टोटली एग्री विद इमरान कि जो जिस चीज का कंपटीशन हो रहा है उससे रेलेवेंट जजेस ही नहीं है, जज ही नहीं है, डांस का कंपटीशन है तो नाथ खान को दिखा लेंगे आप, जज करो उसको क्या पता कि क्या हो रहा है। अच्छा आप इसकी सॉरी एक और एग्जांपल लेते हैं कि अब वो प्लेटफॉर्म है, लेकिन जैसे वो आपका अर्तुगरुल ड्रामा एक चल रहा है जी, तो ये मेरे ख्याल से ऐसी फिल्में, ऐसे सीरीज सीरियल जो है वो पाकिस्तान में बनाए जा सकते हैं। उसकी भी मुखालफत देखने में आई हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस ने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि कहा जाता है कि जो लोग देखना चाहते हैं हम वो दिखाते हैं, मेरा ख्याल है जो आप बनाएंगे लोग वही देखेंगे, आप जो भी कॉन्टेंट आप देखे जी दूसरे मुल्क से दिखाना बंद कर दे, बनाना बंद कर दे, तो वो बाकी दुनिया से जा रहा है वो बातें। मुझे बताएं इसमें बुराई क्या है कि अगर वो एक चीज ऑन एयर गवर्नमेंट ने करवा दी है तो आप लोग देख रहे हैं तो ठीक है, अगर कोई नहीं, अगर वो चीज ऑन एयर ना आती तो मेरे ख्याल में हर बंदे ने अपने घर में देख रहा है यार। आप बंदा आपके पास नेट है, आपके पास हर चीज है, आपके हाथ में मोबाइल है। लोगों ने इमरान ट्वीट किया कि पाकिस्तान के अपने बहुत से हीरोज हैं, मेरा ख्याल है जो मुसलमान होते हैं ना उनके जो हीरोज होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, मुसलमान चाहे किसी भी कंट्री का होगा, मुसलमानों के जो हीरोज हैं वो एक ही है, जो इस्लाम के लिए जिन्होंने काम किया उनकी जो हिस्ट्री है वो सबके लिए, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, चाहे वो टर्की में या मलेशिया में, हम तमाम लोगों के एक ही हीरो हैं जो इस्लाम से रिलेटेड जिस जिसने काम किया, चाहे वो अर्तुगरुल हो या कोई भी गाजी हो, उनके बारे में ख्याल, मेरा ख्याल अगर अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिखाएंगे तो लोग देखेंगे। अच्छी बात देखना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि खुद से प्रोड्यूस करें, फाइनेंस करें आप ऐसे प्रोजेक्ट्स कि हमें भी कुछ काम मिले, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस मौजूद हैं जिनकी एक्टिंग बहुत कमाल है, हाँ उनको मौका मिलना चाहिए ताकि काम भी हो और आपकी अपनी जो है वो आप खुद से प्रोड्यूस। ये देखें टिकटॉक पे लोग क्यों गए हैं,
लोगों में टैलेंट है, ट्रू। जरूरी नहीं है कि कमी थी, जरूरी नहीं है कि 100% जो है वो खाली लिपसिंग और एक्ट करें। उसमें से ऐसे लोग हैं जिनको चुना गया है मूवी के लिए या ड्रामा के लिए, किसी भी काम के लिए, कोई बात तो है ना। तो बात फिर वो ये कि अगर प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ पे होंगे तो मौका मिलेगा, मूवीज बनेंगी, तो लोग उधर उधर जाएंगे नहीं। और जो वहां से फिल्टर, एटलीस्ट फिल्टर करके वो लोगों को इंडस्ट्री में लेके आएंगे, शौक तो इतना सारा, टैलेंट इतना है, इतना ज्यादा है। बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज की बात है कि जिस तरह आप देखें, हम साया मुल्क की जो मूवीज आ रही थी बैन हो गई, बिल्कुल, तो हमारी कितनी मूवीज बनना शुरू हो गई, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली है, लोगों ने देखना शुरू कर दिया। तो वो बात है, अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी तो कुछ करेगा ना। रिंग से कहा जाता है स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है, इसका मतलब है हमारी हिस्ट्री जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उसी से चीजें लेंगे तो आप बेहतरीन ड्रामे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, करीम ने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि बहुत से जबरदस्त सिंगर्स का आपने जिक्र किया। अब देखिए, दूसरे मुल्क से लोग आके आपका टैलेंट लेके जा रहे हैं और आप अपने टैलेंट को घरों में बंद करें। और इमरान, क्योंकि आपने तक काम किया, आपने देखा होगा उस तरह से आप लोगों को नहीं आगे लाया जा रहा जिस तरह से आपसे काम लेना चाहिए। आप एग्री करते हैं इस बात से? बिल्कुल, होता है ऐसा। और बहुत से हमारे जो सॉन्ग राइटर थे, मौसीकार थे, जिनका आज भी नाम है, जिन्हें इंडिया वाले भी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन आज उनके पास काम नहीं है। यार आप देखें ना, हमारे गायक देख लें या लोग, जब आखिरी टाइम पे होते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें इमदाद दें। बिल्कुल, कितने वैसे अफसोस की बात है कि जो हमारे कोरोना तो अब आया है, हमारे सोसाइटी भी है, वो मतलब आप हमेशा जिंदा रहेंगे। भाई क्यों मर गया तो मर गया ना, पहले नहीं पूछा तो अब क्यों पूछ रहे हो? मतलब बात ये है कि अगर आपको पहले ही कदर नहीं है तो बाद में कदर करके क्या फायदा होना है? हमारा प्रॉब्लम है, उससे पूछे तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। हम लोग तो एज अ नेशन वी हैव दैट। हां हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, ये बड़ी एक लम्हे फिक्रिया है। जैसे इमरान ने बात की, मजाक मजाक में शुरू हुआ था, लेकिन ये बात बहुत सीरियस है। हमारे बहुत से लेजेंड ऐसे हैं जो आखिरी वक्त में बहुत बुरे हाल में, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। लेकिन उनको इस तरह से नहीं जाना चाहिए, जिनके जाने के बाद हमसाया मुल्क में उनके बारे में बात हो रही होती है, उनके शोज में बात हो रही होती है। हम लोग बड़े बदकिस्मत लोग हैं कि हम लोग इनसे फ़ायदा नहीं उठा पाए। और अभी भी वक्त है, हमारे जो टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं उनको आगे आना चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए। नो डाउट YouTube पे या आप जो काम करें TikTok पे, उसमें भी बहुत टैलेंट होगा। टैलेंट आगे आए ना, कंटेंट आगे आए, तो फिर मजा आता है काम। इमरान ने जैसे एक बात की थी, सॉरी, कि अब बताएं कि सरवाइव कैसे करना है। एग्जैक्टली, जिंदगी के इतने शोबे हैं, मतलब बिजनेस है, जॉब्स हैं, बहुत सारी, एक्टिंग है, सिंगिंग है। अब मैं सोचता हूँ कि यार मैं पैसे लगा के गाने बनाऊँ, मुझे जब कोई बुलाएगा ही नहीं तो मेरी रिकवरी कहाँ से होगी? मतलब मैं पैसे जेब से लगाऊँ, क्यों लगाऊँ? मैंने इसलिए गाना नहीं किया, मुझे पता है इसके करने का क्या होगा, मुझे टीवी चैनल्स बुला लेंगे, मेरी इनकम कहाँ से आएगी? तो अब ये अब एक सिंगर के साथ इतने पीछे 5-7-8-10 म्यूजिशियंस जुड़े होते हैं, वो बेचारों के घरों के चूल्हे कैसे चल रहे हैं? ये तो ये वाकई ये सोचना पड़ेगा कि ये इसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उनको एक तो सर्वाइवल के लिए अभी भी उनकी उनको हेल्प आउट करे, दूसरा ये आगे सिस्टम कैसे चलेगा? या तो कोई ऐसी एप्स निकालें या कुछ इस तरह की चीज़ें बनाएं कि जिससे वो जो है वो अपना टैलेंट लोगों तक वो कंटिन्यू रखें, पहुँचाते रहें और वहाँ से उनको इनकम आना स्टार्ट हो जाए। अब वो इतनी बहुत कम लोग ऐसे सोचते बेसिक चीज जो है ना वो ये कि आपकी मुनाफकत अगर खत्म हो जाए ना, यहाँ पे तो लॉबी सिस्टम है। और मेरे ख्याल में हम दोनों तो इरम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि हम दोनों अभी रिसेंटली एक लॉबी का शिकार हो चुके हैं दोनों, कि अगर आपकी इनके साथ कोई अनबन है तो आप मुझे नहीं वो करेंगे, अगर मेरे साथ है तो आप मेरे जितने मेरे से रिलेटेड लोग उनको नहीं बुलाएंगे। और आप ये देखें, वो मजाक पे आऊंगा, मैं जब से इनसे मिला हूं मैं बहुत सारी जगह पे जा रहा हूं, मुझे नहीं जाना होता क्योंकि इनका उनके साथ मसला है। करीम तुम मेरे साथ लिंक बुलाओ, उधर से पार्ट तुम मेरे साथ। क्रेडिट कोहिनूर को जाता है, वो हमेशा टैलेंट को सामने लेके आता है, चाहे वो यंगस्टर हो जिनका कोई नया गाना आ रहा हो, किसी का कोई ड्रामा आ रहा हो, हमारी टीम हमेशा लोगों को आगे लेके आती है, जिन्हें कोई चैनल चांस नहीं देता हम लोग उन्हें अपने शो में बुलाते हैं। आई विल ऐड हियर इरम के कोहिनूर वाज द फर्स्ट चैनल जिसने मुझे बुलाया था, एंड यू वर द होस्ट, वेरी काइंड ऑफ यू। और उसके बाद जितनी जगहों पर मैं गया हूँ आप लोगों की वसात से मैं गया हूँ, कि आप लोगों ने मुझे प्रमोट किया था और वहां से फिर आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम अदर चैनल्स एज वेल, सो इसलिए आई टोटली एग्री। मैं तो प्रूफ हूं कि यस, आई टोटली एग्री। और बिल्कुल आप में टैलेंट जरूर होता है, आपको सिर्फ वो कहते हैं ना एक धक्का लगने की जरूरत होती है, वो धक्का कोई भी दे सकता है आपको, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला आपको इतने मौके देता है, आपको पता ही नहीं चलता कि कहां कहां से और कहां कहां से आप काम करें और कितना अच्छा काम करें। अल्लाह ने वसीले बनाना होता है, वसीले बना देता है बेसिकली, अल्लाह ताला वसीले बना देते हैं। अब जिशान से पूछेंगे। जी बात करना चाहूंगा कि ये कोहिनूर ने ये जो सेटअप स्टार्ट किया, ये बहुत
बहुत अच्छा है जी। अभी कुछ टाइम पहले एक ट्रेंड चला था कि फेसबुक पे लोग मैसेजेस कर देते थे इनबॉक्स में, किसी की अच्छी डीपी लगी है, किसी लड़की की अच्छी डीपी लगी है, किसी लड़के की डीपी लगी है, फेक लोग जी आप लुक वाइज बड़े अच्छे हैं यार। आप हर दफा बात ऐसी कर जाते हैं कि हमें ना बोलने में मुश्किल होता है। मैं मतलब एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, बहुत एंजॉय किया बता रहे हैं सुनने वाले। अच्छा होता यूं था कि बैकवर्ड एरियाज के बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को कॉल कर देते थे या फेसबुक पे मैसेज कर देते, सोशल मीडिया पे, आप मतलब आप में बड़ी खसूसियात हैं तो आप आके ना मॉडलिंग कर लें या एक्टिंग कर लें या मतलब कुछ भी इस तरह का कुछ चीज़ें बता के ठीक है वो आ जाती, लाहौर आ जाती, इस्लामाबाद चले जाती, कराची चले जाते लोग, तो उनका मिसयूज़ बड़ा होता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब इस चीज़ पे बात करनी चाहिए मेरे ख्याल में। और उसके अलावा मतलब उनसे पैसे लेके खा जाते थे, बड़े ज़्यादा पेमेंट्स लेनी, ठीक है। और उसके बाद अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो एग्जैक्टली। और बहुत सी न्यूज भी आई थी दो साल पहले कि बहुत सी एक खातून का कत्ल भी हो गया था इस चक्कर में, उसकी फ्रेंड ने ही उसको मर्डर कर दिया था क्योंकि वो मॉडल बनना चाहती थी और वो किसी और गांव से आई हुई थी लाहौर में। ये न्यूज भी थी और न्यूज़पेपर में भी आया था, सोशल मीडिया पे भी हुआ था। तो काइंडली आप लोग ना जो सही लोग हैं, जो एजेंसी है या कोई चैनल है, प्रॉपर चैनल से है ना, मतलब लोग भी इमरान पता है, लोगों को पता नहीं है, lack of awareness है। Exactly. मतलब आप लोगों को भी इसी तरह मैसेज आते होंगे, बेअंत आते हैं लोगों को, मतलब बच्चे, लड़के, लड़कियां, यंग, जिनको नहीं पता कि वो कहां जाएं, पूछ रहे होते हैं चार में ना उनको भी फेमस होने का, which is fine, but उनको एक वेन्यू का बताना लाजमी है, उनको पता चल जाए तो फिर उनको आप डायरेक्शन दे दो ना, तो फिर वो जा सकते हैं। अच्छा, एग्री औरंगजेब, ये बात ठीक है, लेकिन शॉर्टकट जो होता है ना फॉरन से, आपने मेहनत की, आपको अभी भी टाइम लग रहा है स्ट्रगल करने में, इमरान ने इतना काम किया, अभी भी करीम भी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग मैंने बहुत से लोग यंगस्टर ऐसे देखे, उनको लगता है कि एक शूट करें और अगले दिन आप सुपरस्टार होके बैठ जाएं, ये भी गलत है। ये आपको स्ट्रगल नहीं सकता, स्टेप वाइज सुपरस्टार देखें, बात ये कि काम जो है ना, काम से ही आपका नाम बनता है, और मेरे ख्याल में अगर आप काम अच्छे से करेंगे, लोग आपको देखेंगे और आपके काम में दम होगा, तो मेरे ख्याल में आपको कोई भी आगे जाने से रोक नहीं सकता। लेकिन ये शॉर्टकट्स ढूंढना और ये कह देना कि आज शूट किया, और हम कुछ लोग वाकई ही ऐसे हैं जो घर से सुपरस्टार बन के निकलते हैं, और वो मेरे ख्याल में वो आपको दूसरी दफा नजर भी नहीं आते, कभी नजर नहीं आते, वो किसी को एटीट्यूड पसंद नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्टर उस पे या तो वो होता है या नहीं होता, किसी चीज नहीं होती। एक्टिंग एक ऐसी चीज है कि जो वो आपको, आप कभी भी किसी से मतलब लाइक अगर आप किसी की कॉपी कर रहे हैं ना, तो साफ पकड़ा जाएगा कि कॉपी कर रहा है, ठीक है, कि आपके अपने अंदर की फील है भाई, कि आपने इसको फील करना है। एक्टिंग ये नहीं है कि अगर आप शक्ल के खूबसूरत है तो आप आ जाए ये एक्टिंग करने, आप कभी भी नहीं कैसे कर रहे हैं। मजे की बात की इन्होंने कि आप किसी की सिफारिश से आए, शॉर्टकट से आए, जो कैमरा होता है ना वो आपको एक्सपोज कर देता है। आप एक बार आ सकते हैं, दो बार आ सकते हैं, आप ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सकते, ये जो कैमरा है ना ये आपको एक्सपोज कर देता है, स्क्रीन पे ले आता है। ये वही चीज है स्क्रीन जो झूठ नहीं बोलती, भाई ये आपको बता देती है। अच्छा जी, अब हम अपने मेहमानों के साथ छोटी सी गेम खेलेंगे और आप हैं जज, आप बताएंगे सही जवाब किसने दिया। मैंने आपको जी जज बना दिया, ठीक है, आपने बताना पहले जी। हम कुछ लोगों के नाम लेंगे और आपने उनके बारे में फॉरन बताना कि आपके माइंड में क्या आता है और इस वक्त क्या आया, ये नहीं कि सोच के कि वाह 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 क्या कमाल, नहीं, जो फॉरन अभी माइंड में आएगा और झूठ नहीं बोलना। अच्छा, ओके, ठीक है। HSY, ओह वेरी टैलेंटेड। नौमी अंसारी, या वेरी नाइस एज वेल। मारिया बी, कंट्रोवर्शियल। सना सफीना, कलरफुल। अमार बिलाल, हैंडसम। औरंगजेब, oh yes, but of course. Life, beautiful. Dream, come true. Water, life. Best colleague. अब जी हम इमरान से खेलेंगे। इमरान अब्बास, I'm speechless. Bilal Ashraf, quite fine. How are you, sir? Good actor. Numan Ijaz, sir, I salute you. Urva, Myra, Maria, who Maria? Myra Khan. Myra Khan, good person. Mehvish Yad, good lady. Uzma Khan. Uzma is a good person.
वेल गाइस ठीक हो गया और इसको पॉलिटिक्स में जाना है, इसको ऑपोजिशन में डालें, ये इतना फिट जाएगा ना मैं कहता हूँ। हाँ आपकी बारी जी, रेडी आप? यस साहिर अली बगा। इज म्यूजिशियन शिराज़ उपल। वेरी गुड सिंगर आई एम अ बिग। गुड वॉइस आतिफ असलम। कमाल आदमी अली जफर। Very talented. मिशा शाह। Good. उन्होंने कहा था repeat नहीं करना। Good ही चला जा रहा है। यार change करो words को यार। यार मैं आज चले। Variety लाओ यार। मैं change करो लगा क्या है? गोटा लगाया है। मैं तो पता भी नहीं सीखा कौन सवाल करने। करीम खान। इनसे पूछें। इनसे। Love you. इमरान खान। तो मेरी side पे हो। दुआ दो अल्लाह ये साइको इनको साइको रोज दिया था। मैं इनसे नहीं पूछ पाई थी। औरंगजेब। औरंगजेब इज माय बेस्ट फ्रेंड। और करीम खान। बोथ आर माय लाइक वो क्या कहते हैं उसको लाइफ लाइंस। अच्छा दोस्ती फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है। लाइफ 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 क्या है? लाइफ क्या है? दोस्ती में क्या दोस्ती क्या है? बहुत जरूरी है। लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी है। अपनी बारे में बता रहे हैं। एंजॉय लाइफ। एंजॉय बस। एंजॉय। आप बताएं जी कौन किन्होंने विन किया है? कोई शूट नहीं है। आगे बहुत जानने वाले होते हैं बच्चे। उनकी बेगम के हाथ में पाना भी है, ये भी याद रखना। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमें करीम का एक गाना सुनना चाहिए। बिल्कुल ऐसे क्रीम प्लीज। ठीक है भाई, वो ट्रेनिंग ऐसी है आर्मी की। मेरे अब्बा जी रहे, शो खत्म होने दो जरा। Hey।
तुम्हारे एक्शन भी बड़े टाइट हैं। लेकिन इसमें एक लाइन थी, तू कल्ली शेर नहीं बाकी कुड़ियां कैट ने, तो किसी एक के लिए गाना गाया आपने ये? भाभी का नंबर देना। अभी वैसे एक वायरल हुई है वीडियो, एक और हम वायरल कराते हैं। हाँ बिल्कुल। किसके लिए गाया है आपने? ऐसी चीजें स्क्रीन पे पूछी जाती है, क्या हो गया? मैं भी तो ऑफ सब सुनना चाह रहे हैं। मतलब अपने फैंस के लिए? मतलब कब तक छुपाओगे? शर्म करो तो बता दो। चले आज मैं आया हूँ, आप एक्सप्लेन बता दो जी। आज मैच नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, जो मैं बता दूँ। देखिए इतने मासूम अंदाज में उन्होंने पूछा ना, आपको बता दें। बेसिकली इस गाने में मेरा कोई रोल नहीं था इससे, ये मैंने एक किसी को रिक्वेस्ट की कि मुझे एक हिप हॉप सॉन्ग लिख के दें, तो उन्होंने मुझे अच्छा ये सॉरी ये मेरा अपना लिखा हुआ, आई एम सो सॉरी, नहीं नहीं ये मेरा एक मुंह पे झूठ बोलते हो यार, शेम ऑन यू यार, व्हाट इज दिस यार, यहां पे व्हाट इज दिस, सच बता रहा हूं। अच्छा अभी इसके एक और झूठ बताओ, ये देखो इसने पर्ची दी थी, इसे कहा था ये बिल ना इरम को दे देना, ये इससे ना सुबह नाश्ता के कह रहे बिल दे, ये मेरे का बिल दे, ये मेरे का झूठ बोल रहा है, तुमने सच बोला। अच्छा तुम कसम खा के गो ये किसने किया और किसने पर्ची ली? यार ये कसम है, मतलब देखो छोटा कसम खाता है ना, मैंने आपको कहा था ना कि ये किसी भी वक्त ऐसी बात कर देगा जिसका ना मुंह ना सर, अल्लाह की कसम इसने, मैं बॉइल्ड एग खा के आऊंगा, इसने लिया और इसने कहा था मैं खाऊंगा। परेशान नहीं हो, आपने मैसेज कन्वे कर दिया, ये मैं हुमायूं साहब और सलार साहब के लिए प्रोडक्शन का बिल है, मतलब तुम्हारे चेक में से पैसे कट गए। देख लिया, अब ऐसे करेंगे? कोई नहीं, काट लें, कॉली काट लें, इनका चेक भी मुझे दे दीजिएगा। और इन सब से बात करेंगे, और इनसे क्योंकि आज मैंने इमरान से पूछा कि कौन सा एक ऐसा करेक्टर वो करना चाहते हैं, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। लेकिन और इनसे कोई एक ऐसा करेक्टर, बेशक वो फिल्म हो चुकी है, फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाब नहीं जाऊंगी या जवानी फिर नहीं आनी, नामालूम अफराद, जो करेक्टर करना चाहते हैं आप? मजाक कर रहा हूँ। कौन सा ऐसा करेक्टर जो आप करना चाहते हैं? हाँ कौन सा कैरेक्टर? पर अभी तो मैंने सिर्फ चंदा वाला। हाँ कौन सा? नहीं, एक आपका एक आपका ड्रीम होता है ना कि मुझे लगता है कि ये मैं कैरेक्टर बहुत अच्छे से करूँगी, बिकॉज मैं एक लाइफ गुजार चुका हूँ, एक बड़ी स्ट्रिक्ट लाइफ और डिसिप्लिन लाइफ, तो आई थिंक मैं उससे बिल्कुल कोई ऑपोजिट एक रोल करना चाहूँगा, समथिंग टोटली अपसर्ड, बिल्कुल एक खुला डुल्ला, एक नॉट साइको पर्सन, बट स्पॉइल्ड। वैसे इमरान की बात में इतना वजन है कि छा गई है बात, हर कोई चाहता है कि मैं साइको रोल कर लूं, ये होता है एक अच्छा है। तो अगर ये रोल ना भी करे? हाँ इट्स ओके, मतलब देखो मतलब ये कैसे करते हैं, इज देख रहे हो बाय डिफॉल्ट ही इज। अच्छा और इनसे जैसे आपने जिक्र किया कि एक लाइफ ट्रिक थी, आई थिंक नेगेटिव रोल आई वुड एंजॉय इट, नेगेटिव रोल मैंने किया तो आई रियली एंजॉयड दैट, बट वो बहुत छोटा रोल था, आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर। मुझे एक्चुअली उसी प्रोजेक्ट पे उनके एक मेंबर ने मुझे कहा कि यू नो तुम्हें ये बड़ा सूट कर रहा है, और एक और खैर वो लंबी बात है, बट ही सेड कि यू मैं बहुत सूट कर रहा हूं। उसके बाद मुझे एक्चुअली आई हैव गॉट टू ऑफर्स फॉर नेगेटिव रोल्स, माशाल्लाह, लेकिन अभी वो कोरोना की वजह से रुके हुए हैं, लेकिन वो नेगेटिव रोल्स ही हैं। अच्छा और पीपल लुक एट मी एज अ नेगेटिव पर्सन। तुम तो नहीं रुके रहे कोरोना की वजह से, तुम तो चले ही जा रहे हो कोरोना की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा और इनसे मुझे बताया कि जैसे आपने लाइफ एक आपकी जो फील्ड थी काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, वक्त की पाबंदी, यस सर, एक आपके रूल्स रेगुलेशन, उसके फौरन बाद शोबिज़ में आ जाना, और शोबिज़ में लोग अक्सर टाइम पे नहीं आते, आप आ जाते हैं, इमरान खान बिल्कुल टाइम पे आता है, मेरा हाथ बिल्कुल गया है, लेकिन इसका ये मतलब बाकी लोग भी बैठे हैं, आप भी जब करीबी वक्त पे आए हैं, निशान वक्त पे आए हैं, औरंगजेब वक्त पे आए हैं, औरंगजेब मुझे ये बताइए, मैं सवाल इससे बोला भी इससे कसम खाए, कसम खा के बताए कि ये कभी टाइम पे कहीं आता जाता है, बताओ मुझे कसम खा के बताओ, इस कभी मुझे कहीं पे जाना हो, असल में प्रॉब्लम आप में है। प्रॉब्लम में बात आ गई, तो औरंगजेब 24 में आना बिल्कुल चेंज लाइफ, टोटल चेंज है, ऑपोजिट है, तो मुश्किलात हुई स्टार्ट में, यानी आप एंजॉय कर रहे थे? हाँ नहीं, मुश्किलात तो आई थिंक हर जगह आती हैं, आपने भी कोई भी चीज स्टार्ट करें तो उसमें डिफिकल्टीज तो आती हैं, और ऑब्वियसली चेंज होता है, व्हिच ऑब्वियसली वाज डिफिकल्टी, कमीना पर हंस रहा है, मुझे पता है कि मुश्किलात घर वाले बोले तो दुपट्टा लेके बैठना। मैंने जब देखा शोबिज़ में लोग दुपट्टे पहनते घूम रहे हैं, तो मैंने कहा ओ नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, डिफिकल्टीज तो हर जगह होती हैं फेस, बट आई थिंक तब्दीली फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो इसलिए मैं पहले अपने जहन में मैंने सोचा हुआ था कि यू नो
वो एक लाइफस्टाइल था, अब एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है. सो आई हैव टू एडजस्ट and we you know absorb that and be flexible in that. अच्छा औरंगजेब, जब आपने शोबिज में आए, आपका एक एम था जिसकी रीजन कोई एक रीजन थी जिसकी वजह से आप शोबिज आए, उसको कंटिन्यू करें आप साथ साथ अपना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. मैं आई एम मैं ऑर्गन डोनेशन के ऊपर बिल्कुल मैं बात करता हूँ, हर फोरम पे बात करता हूँ जाके. और वो बात है कोरोना से हर चीज जरा डिस्टर्ब हो गई ना. मैंने दो यूनिवर्सिटीज में बात की हुई थी उन स्टूडेंट्स को लेक्चर्स लास्ट टाइम, बल्कि जब आपके पास आते तो ये बात हुई थी कि मैं करूंगा. सो आई डिड, सो आई स्पोक टू टू यूनिवर्सिटीज और उनके स्टूडेंट्स को मैंने जाके लेक्चर्स देने थे ऑर्गन डोनेशन के ऊपर, लेकिन फिर वो अभी कोरोना की वजह से हो गया. अच्छा, इस पे आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की क्लासेस क्योंकि ऑनलाइन हो रही है, जूम पे हो रही है, तो आप उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से रابطہ करके आसानी से, ताकि लोग सुन भी लें, ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाए और आप अपना मैसेज भी कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑनलाइन होने की वजह से रुक नहीं रही. बहुत से लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं. हाँ, कुछ हद तक आर्टिस्ट वो जो उस तरह से एक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत से काम हम ऑनलाइन कर सकते हैं, तो आप इस तरह से भी कंटिन्यू कर सकते हैं. करीम से पूछेंगे, करीम फ्यूचर प्लान क्या है? ये प्लान्स तो बहुत सारे हैं, अभी ये मुसीबत से जान छूटे तो फिर कुछ करें. प्लान ये कि मेरे कोई 8-10 ऑडियो जो है रिकॉर्ड हुए हैं, वीडियोस करने हैं और एक एक करके जो है वो गाना निकालना है बस मार्केट में. और इंशाल्लाह ठीक हो गया. इमरान, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपने बिल्कुल स्टार्ट लिया इस इंडस्ट्री में आए, उस वक्त नाम बनाना मुश्किल था या आज के वक्त आपका नाम बनना मुश्किल हो गया है? क्या मुझे ये लगता है कि ना उस वक्त मुश्किल था और ना अब मुश्किल है, लेकिन बात यह है कि आपको राइट पर्सन मिलना चाहिए, राइट पीपल मिलना चाहिए, राइट प्लेस मिलनी चाहिए. डिपेंड आपके अपने ऊपर करता है कि आप कितने एक मुखलिस हो अपने काम के साथ, कितना आपका स्ट्रॉन्ग विजन है कि आपने उसको लेके चलना है. अगर आप, मेरे ख्याल में आपकी नीयत साफ है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती. नाम तो इंशाल्लाह, बाकी इज्जत और जिल्लत तो खुदा की, बेशक की इसमें कोई शक नहीं है. और इनसे प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक लाइफ को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो हो. लाइफ बड़ी अनप्रडिक्टेबल है, एंजॉय लाइफ करें, एक दूसरे का ख्याल रखें एंड स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस. जिशान क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता. ठीक है. अरे अम्मी जान कहती थी. नहीं, अम्मी तो माशाल्लाह सही बाजी कहती थी तस्वीर बनाते. तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता अगर आप उसको प्रोफेशनल तरीके से. तो अभी पेरेंट्स आपके हैप्पी है ना आपके काम? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत जरूरी होता है. इमरान, आपके मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज बहुत सिंपल है कि खुदा के लिए आजकल जितने भी ये जो भी वबा जो पेंडेमिक है कोरोना वायरस, इसको प्लीज सीरियस लें खुदा के लिए. ना अपने लिए मुसीबत खड़ी करें, ना हम लोगों के लिए करें. बहुत सारे ऐसे घर हैं जो मजबूर हैं, वाकई लिटरली मजबूर हैं कि वो लोग ना बाहर निकल सकते हैं, ना किसी के आगे कोई अपना हाथ फैला सकते हैं. वो उन सफेदपोश लोगों का आप लोग ख्याल करें उनके लिए और अपनी औलाद और अपनी नस्ल के लिए प्लीज घर बैठ जाएं. आपके 5 मिनट के बाहर निकलने से पता नहीं 500 अफराद जो हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं. खुदा के लिए आप लोग रहम करें अपने अपने ऊपर, इस कौम पर. ये मजाक नहीं है, ये सीरियस इशू है, इसको प्लीज समझें. हम सब लोग परेशान हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ना अब मुझे इरिटेशन होने लग गई इस वर्ड से, मुझे भी पता है, लेकिन बर्दाश्त करें भाई, हमने इसको बेयर करना है और इसके साथ ही जिंदगी गुजारनी है. और प्लीज इत्मीनान रखें, खुदा पे यकीन रखें, भरोसा रखें कि एक ना एक दिन हमारा वो वक्त वापस आएगा और हम इंशाल्लाह उसी तरह से खुशियां मनाएंगे इंशाल्लाह. करीम, आपका मैसेज देना चाहेंगे? जिंदगी के इतने साल गुजार लिए हैं, अगर 6 महीने साल इस मुसीबत वबा के साथ अगर गुजारना है तो इसको गुजार लीजिए एहतियात के साथ. अपना ख्याल रखिए और अपने प्यारों का ख्याल रखिए. इमरान ने, मैंने इसी पे बात करनी थी, इमरान ने इतनी अच्छी डिटेल में बता दी है, तो मेरे ख्याल से सारे ये चोरी बहुत करते हैं, सारे वर्ड्स चुरा लेते हैं. बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का इमरान, आपका बहुत शुक्रिया, औरंगजेब आपका बहुत शुक्रिया, जिशान आपका बहुत शुक्रिया. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए. प्रोग्राम के एंड पे हम करीम से उनकी खूबसूरत सी आवाज़ में गाना भी सुनेंगे. अपना ख्याल रखिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, नेबर्स पे जो लोग रहते हैं उनका भी ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से सफेदपोश लोग ऐसे हैं जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे. आपको खुद चेक करना है कि आया आपके नेबर में खाना बना है या नहीं बना. अपने मेट्स का ख्याल रखिए, ड्राइवर्स का ख्याल रखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है उनसे आपको वायरस लगे, आपसे भी उनको लग सकता है. तो एहतियात बहुत जरूरी है. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.
ਕਿ